का उपदेश करती है। श्रीमद् भगवद गीता जीव को विशुद्ध जो प्रज्ञानम ब्रह्म ज्ञान है, उस ब्रह्म का चिंतन अनुशीलन कराती है। और श्रीमद् भागवत की कथा हमारे जीवन में अनेक प्रकार के जो कहीं न कहीं ज्ञात अज्ञात दोष पाप बने हैं, उन सारे पापों को धो करके जीव को मुक्ति कराने की, मुक्ति के मार्ग में ले जाने की, मुक्त करने की कथा है। इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण प्रायः सबसे अधिक सुना सुनाया जाता है, क्योंकि जीव को मुक्त करने वाली, जीव को भगवान का धाम देने वाली, मानव के सारे पापों का नाश करके उसे भगवान के श्री चरणों में पहुंचाने वाली कथा श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है। और श्रीराम कथा कैसे जीना चाहिए, हमारा अपने राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति क्या कर्तव्य है, भाई भाई को कैसे रहना चाहिए, पिता पुत्र का क्या व्यवहार है, और जब जीने आएगा, हम अगर जीना सीख गए मनुष्य हो करके, अगर हम में मनुष्यता आ गई तो हमारा जीवन पवित्र हो जाएगा, हम धन्य हो जाएंगे। हमारे जीवन में अगर श्री रामचरित उतर गया तो उस श्री रामचरित से ही हम मुक्त हो जाएंगे, और अगर श्री राम जी का चरित हमारे जीवन में नहीं आया और कहीं न कहीं दोष बने तो उसके लिए मुक्ति की कथा श्रीमद् भागवत कथा। आगे आप श्रवण करेंगे, सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं कि परीक्षित, तुमने राम कथा अनेक बार सुनी है, तो फिर श्री कृष्ण कथा सुनने की क्या आवश्यकता है, श्रीमद् भागवत को आप क्यों सुना रहे हैं। यद्यपि तुम सर्वथा श्री रामचरित को सुन करके कल्याण के भाजन हो, तुम्हारे कल्याण में किसी प्रकार का संशय नहीं, लेकिन अति शीघ्र तुम्हारे द्वारा जो अनजान में बिना जाने पाप बन गया, दोष बन गया, एक निरपराधी संत का अपमान कर दिया, एक ऐसे महापुरुष का अपमान कर दिया जिनका कोई शत्रु मित्र नहीं है, इसलिए तुम्हारे जीवन में यह बड़ा भारी दोष बना परीक्षित, और उस पाप का प्रायश्चित करने के लिए तुम गंगा के तट पर बैठे हो। अब तुम्हारे मुक्ति का मार्ग मैं श्रीमद् भागवत महापुराण सुना करके कर रहा हूं, प्रशस्त कर दे रहा हूं। परीक्षित, तुम्हें भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर मानव के जीवन में संभव है कहीं ज्ञात अज्ञात जान अनजान में दोष पाप बन जाए। तो श्रीमद् भागवत कथा ये लीन होने की कथा है, अपने को पूर्णतः भूल जाने की कथा है। शरीर भूल जाए, परिवार भूल जाए, पत्नी भूल जाए, मकान दुकान व्यापार भूल जाए, और एकमात्र हम में भगवान ही पूर्ण रूप से, जहां हमारी नजर जाए, जहां मेरी दृष्टि जाए, मुझे भगवत स्वरूप ही दिखे, भगवान का ही दर्शन हो। और ये कब होगा, जब सबको हम भूलेंगे, सबको छोड़ेंगे, तब भगवान को पकड़ सकते हैं। इसलिए सुखदेव जी राजा परीक्षित को जिस श्रीमद् भागवत महापुराण को सुना करके मुक्त बना कर दे रहे हैं, जिनका सारा भय दूर कर दे रहे हैं, वह श्रीमद् भागवत महापुराण अत्यंत चमत्कारी है। कलिकाल के सारे पापों का प्रक्षालन करने वाला श्रीमद् भागवत महापुराण है। तो इस श्रीमद् भागवत महापुराण की क्या विशेषता है, कौन सा चमत्कार इसमें छिपा हुआ है, श्रीमद् भागवत महापुराण के महत्व क्या है, श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को जिस श्रीमद् भागवत महापुराण को सुनाए उसकी विशेषता हमें कैसे पता चलेगी, उसी को कहते हैं महत्व, उसी को विशेषता कहते हैं।
और बिना किसी वस्तु की विशेषता महत्व को जाने, उसको पाने देखने छूने लेने में मनुष्य की प्रवृत्ति नहीं होती, मनुष्य लगता नहीं है। जब महिमा जान लेता है, उसकी विशेषता समझ लेता है, तो उस वस्तु को पाने का प्रयास करता है। जाने बिनु न होई परतीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति, और प्रीति बिना नहीं भगत दृढ़ाई, जिम खगपति जल के चिकनाई। हम जाने कि यह श्रीमद् भागवत महापुराण कैसा है। तो पद्म पुराण में श्रीमद् भागवत महापुराण की महात्म्य कथा आई है, और वही कथा भागवत जी की विशेषता का वर्णन करती है, भागवत जी की महिमा का। हम लोग भगवान का मंगला शासन करके संक्षेप में श्रीमद् भागवत के महात्म्य कथा को श्रवण करेंगे। लेकिन कोई भी कार्य प्रारंभ करे, हमने तो मंगलाचरण भगवान का किया, भगवान का मंगला शासन हमने कर दिया, लेकिन भगवान वेदव्यास, श्री शुकदेव जी, श्री सूत जी ने भगवान का जो मंगला शासन किया है, हम लोगों को उसका स्मरण करना चाहिए। इसलिए सूत जी महाराज भगवान कृष्ण का मंगला शासन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। तीन कृष्ण हैं, श्री कृष्ण, व्यास जी कृष्ण और अर्जुन कृष्ण। अर्जुन का भी नाम कृष्ण है, भगवान वेदव्यास का भी नाम कृष्ण है, और देवकी नंदन, वसुदेव नंदन, यशोदानंद वर्धन भी श्री कृष्ण है। तो कृष्णम नारायणम वंदे, कृष्णम वंदे ब्रज प्रियम, कृष्णम द्वैपायनम वंदे, कृष्णम वंदे प्रथासुतम। मैं नारायण, अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी भगवान श्री कृष्ण की वंदना करता हूं, जो ब्रजवासियों का मंगल करने के लिए दिव्य ब्रज भूमि में गोलोक से भूलोक पर पधारे। संपूर्ण पुराणों की, श्रीमद् भागवत की रचना करने वाले साक्षात नारायण भगवान कृष्ण रूपी वेदव्यास को भी मैं प्रणाम करता हूं, जिन्होंने इस दिव्य ज्ञान दीप को जलाया और जिसकी कृपा से, जिसके अनुग्रह से भगवान, जिसके ऊपर कृपा करने के लिए विवश हो गए, जिसकी सेवा से, जिसकी भक्ति से, उस कृष्ण का नाम अर्जुन है। अर्जुन भी कृष्ण है, और अर्जुन पर ही अनुग्रह करने के लिए, अर्जुन की सेवा, उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर के भगवान ने गीता जैसा दिव्य रत्न ब्रह्म विद्या अर्जुन को प्रदान की। अर्जुन तो श्री कृष्ण के ही स्वरूप हैं, वो तो हम आप जैसे जीवों को भगवान ने गीता का उपदेश किया, इसलिए गीता ब्रह्म विद्या है। तो हम इन तीनों कृष्ण को प्रणाम करते हैं। भगवान वेदव्यास ने मंगला शासन किया है, और वो भगवान का मंगला शासन करते हुए कहते हैं कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। जो भगवान सतचित आनंद स्वरूप है, सतचित विशिष्ट जो आनंद ब्रह्म है, सत माने प्रकृति माया, चित माने जीव और आनंद माने ब्रह्म। तो जो सतचित से विशिष्ट ब्रह्म है, जो चिदचित विशिष्ट ब्रह्म है,
वो सच्चिदानंद ब्रह्म श्री कृष्ण हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूं। जो सच्चिदानंद श्री कृष्ण हैं, चिदचिद विशिष्ट ब्रह्म हैं, उन्हीं से संसार की उत्पत्ति पालन और संहार होता है। विशिष्ट ब्रह्म ही संसार की उत्पत्ति पालन और संहार करता है। निर्विशेष ब्रह्म कुछ कर नहीं सकता, इसलिए निर्विशेष कुछ होता ही नहीं। तापत्रय विनाशाय, जो हमारे आचार्यों का विशिष्टाद्वैत सिद्धांत है, वह चिदचिद विशिष्ट जो ब्रह्म श्री राम श्री कृष्ण नारायण है, वे ही जीव के तीनों तापों का नाश करने वाले हैं। आध्यात्मिक ताप, आधिदैविक ताप और आधिभौतिक ताप, उनके विनाशक जो भगवान श्री कृष्ण श्री राधा कृष्ण हैं, हम उनके चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। शास्त्र की आज्ञा है कि मंगलादौ मंगल मध्ये मंगलांतानि च शास्त्राणि प्रथन्ते आयुष्मत पुरुषाणि भवन्ति। कार्य के प्रारंभ में, बीच में, अंत में भगवान का मंगला शासन नमस्कार करने से श्रोता वक्ता सबकी आयु बढ़ती है, पुण्य की वृद्धि होती है। इसलिए हर कार्य के प्रारंभ में भगवान का मंगला शासन किया जाता है। सुखदेव जी को प्रणाम करते हुए सूत जी कह रहे हैं कि जिनके अनुग्रह से, जिनकी कृपा से राजा परीक्षित और मैं सूत श्रीमद् भागवत महापुराण को सुना पाया हूं, मैं उन गुरुदेव सुखदेव जी को प्रणाम करता हूं। यम प्रव्रजंत मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तनमयतया तरवो भिनेदो स्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। 12 वर्ष की अवस्था में जो मां के गर्भ से बाहर आए और बाहर आते ही माता पिता की ओर देखे भी नहीं और वन को चले जा रहे हैं, जिनके पीछे पीछे पिता भगवान वेद व्यास पुत्र पुत्र कह करके पुकार रहे हैं कि हे पुत्र लौट आओ, ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज जिनको वृक्ष भी पुकार रहे हैं, समस्त प्राणियों के हृदय में विद्यमान श्री सुखदेव जी महाराज को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण की महात्म्य कथा जो पद्म पुराण में है, वहां सूत जी शौनक आदि महर्षियों को नैमिषारण्य में भागवत जी की विशेषता महिमा सुना रहे हैं। नैमिषारण्य एक बड़ा पवित्र तीर्थ है। जब ऋषियों ने विचार किया यज्ञ करने का, 88,000 ऋषि लोग ब्रह्मा जी के दरबार में गए, ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि हम लोग यज्ञ करना चाहते हैं, कहां यज्ञ करें? तो ब्रह्मा जी ने अपने संकल्प से एक चक्र बनाया और उस चक्र को छोड़ दिया। वो चक्र सत्यलोक से आकर के और पृथ्वी पर जहां गिरा वहां जंगल था, और चक्र चक्कर काटता हुआ आया तो चक्र के बाहरी भाग को नेमी कहते हैं संस्कृत में, और संस्कृत में जो वस्तु गिरती है उसे सिरना बोलते हैं। तो चक्र की नेमी जहां गिर गई, सिर गई, वो नैमिष हुआ, और वो वन था, अरण्य था, इसलिए उसका नाम नैमिषारण्य हुआ। तो चक्र की नेमी आकर के जिस भूमि पर गिरी वहीं पर 88,000 ऋषि लोग यज्ञ किए। पुराणों में कथा आती है कि यह पृथ्वी भगवान
शेषशायी भगवान नारायण ने मधु कैटभ दैत्य को मारा तो उनके शरीर के मज्जा से, शरीर का जो रक्त का थक्का, रक्त जमा, मेदा जिसको हिंदी में बोलते हैं, उस मेदा के जम जाने से ये इतना बड़ा खंड बना, इसे मेदिनी कहते हैं, इसी को पृथ्वी बोलते हैं। तो पृथ्वी का एक नाम मेदिनी है। मधु कैटभ दैत्य के मारने से उनके मेदा का अंश इसमें आया, इसलिए इसे मेदिनी कहते हैं। और ये पवित्र नहीं है, तो यहां पर कोई शुभ काम करने के लिए जगह स्थान की शुद्धि की जाती है, उसको वास्तु आदि का विचार कहते हैं। तो जहां ऋषि लोग यज्ञ किए, ब्रह्मा जी ने बतलाया कि वो स्थान शुद्ध हो गया, जहां जहां भगवान अवतार लिए वो भूमि शुद्ध हो गई, जहां जहां भगवान के चरण गए वो भूमि शुद्ध हो गई, जहां जहां भगवान ने दिव्य स्वरूप धारण करके अवतार के साथ विशेष आराधना की वो भूमि दिव्य हो गई। तो इस पृथ्वी पर वे ही स्थान सबसे दिव्य और पावन है जहां भगवान का अवतार हुआ, भगवान की लीलाएं हुई, नहीं तो ये पृथ्वी शुद्ध नहीं है। इसलिए कोई भी यज्ञ व्रत अगर भूमि पर मकान व्यापार दुकान करनी है तो भूमि की शुद्धि की जाती है, वास्तु का शोधन किया जाता है, क्योंकि ये मेदिनी नाम वाली धरा पृथ्वी वास्तव में मधु कैटभ के मेदा से बनी। इसमें शुद्धता तब आ गई जब भगवान ने वराह अवतार लेकर के अपने नाक के अग्रभाग पर इसे उठा लिया, तो ये कर्म भूमि हो गई, ये सबसे श्रेष्ठ मानी गई, क्योंकि जिसको भगवान अपनी गोद में ले लें, भगवान वराह को यज्ञ पुरुष कहते हैं। यज्ञ पुरुष भगवान ने भूदेवी से विवाह किया, भूदेवी माने पृथ्वी की अधिष्ठात्री देवी, तो साक्षात वो पृथ्वी ही है। तो वो भूदेवी से भगवान का संबंध हो जाने से दिव्य और पवित्र हुई, लेकिन कुछ अंश उनके रहते हैं। तो ऋषि लोग नैमिषारण्य में यज्ञ करने के लिए बैठे हैं, ब्रह्मा जी ने बतला दिया। प्रातः काल और सायंकाल अग्निहोत्र करना चाहिए, लेकिन खाली समय क्या करें, तो सूत जी तीर्थ यात्रा करते हुए नैमिषारण्य में आए। ऋषि लोग बड़े प्रसन्न हुए कि ये सूत जी व्यास जी और शुकदेव जी के शिष्य हैं, इसलिए हम लोगों का सौभाग्य है, खाली समय हम लोग बैठ कर क्या करें। इम्पटी माइंड इज द डेमन्स वर्कशॉप, खाली मस्तिष्क शैतान का घर है, किसी की निंदा करेगा, किसी की स्तुति करेगा। भगवान तो गीता में कहते हैं कि नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत कार्यते ह्यवशः कर्म सर्व प्रकृति जैर्गुणैः। एक क्षण भी मनुष्य खाली रह ही नहीं सकता, अगर भगवान का भजन पूजन अपना काम नहीं करेगा तो किसी की निंदा करेगा, किसी की स्तुति करेगा, कोई उपद्रव करेगा। इसलिए इस मन मस्तिष्क और अपने समय को भगवान के चरणों में लगाने का प्रयास करना चाहिए। तो ऋषि लोग यज्ञ के बाद जो शेष समय है उसमें क्या करें, सूत जी को उन्होंने व्यास पीठ पर बैठाया, उनका पूजन किया और सूत जी से कहा कि हे सूत जी, ये घोर कलयुग है, कलयुग के जीवों के उद्धार के लिए, कलयुग के जीवों के कल्याण के लिए जो सबसे दिव्य उपाय है वह आप बतलाएं। द्वापर में लोग योग आदि करके, साधना करके, ब्रह्म का व्रत आदि करके अपना कल्याण कर लेते थे। त्रेता में बड़े बड़े यज्ञों से लोगों का कल्याण हो जाता था, और सतयुग में ध्यान धारणा समाधि से, ज्ञान विज्ञान से संपन्न लोग अपना कल्याण कर लेते थे।
लेकिन कलयुग के प्राणी का कल्याण कैसे होगा? क्योंकि कलि केवल मल मूल मलीना, पाप पयोनिधि जनमन मीना। कलयुग के प्राणी का एक तो स्वभाव मलिन है, उसका भाग्य भी मलिन है, और उससे सत्कर्म की अपेक्षा दोष पाप अधिक बनते हैं। तो कलयुग के व्यक्ति का उद्धार कैसे होगा, कल्याण कैसे होगा? ऐसा कोई दिव्य उपाय हमें आप बतलाइए। ये ऋषि लोग नैमिषारण्य में कलयुग में ही यज्ञ किए। राजा परीक्षित के शरीर छोड़ने के बाद, भगवत धाम जाने के लगभग 350-400 वर्ष के बाद, कलयुग में ही शौनक आदि के ऋषि लोग नैमिषारण्य में यज्ञ किए, और 1000 वर्ष तक चलने वाला उनका ये यज्ञ है। 1000 वर्ष आज किसी की आयु ही नहीं है, लेकिन आज भी लोग कहते हैं कछुआ 1000 वर्ष जीता है, हाथी 350-300 वर्ष जीता है। तो जब कछुआ 300 वर्ष, कच्छप जी सकता है 1000 वर्ष, हाथी 300-200 वर्ष जी सकता है, तो मनुष्य तो सबसे श्रेष्ठ प्राणी है, मनुष्य तो सबसे समझदार और विज्ञानी है। ये अगर 1000, 10, 20 हजार वर्ष जीवे तो कोई आश्चर्य नहीं है। दशरथ जी महाराज ने विश्वामित्र जी से कहा कि हे विश्वामित्र जी, 60 हजार वर्ष की मेरी आयु हो गई और तब बुढ़ापे में मुझे 4 पुत्र मिले हैं और आप मांगने आ गए। तो 60 हजार वर्ष की आयु, षष्ठी वर्ष सहस्राणी जातानी मम कौशिको, 60 हजार वर्ष की मेरी आयु हुई तब मुझे 4 पुत्र मिले हैं। इसी कलयुग में आज से 100 वर्ष पहले काशी में तैलंग स्वामी हुए, 300 वर्ष जीवित रहे। विवेकानंद जी महाराज जिनको अपना गुरु मानते थे, और काशी में जिंदी समाधि लिया उन्होंने। कहने का तात्पर्य यह है कि कलयुग में भी अगर मनुष्य में तपस्या है, साधना है, तो वो लंबी आयु को प्राप्त करता है। लेकिन कलयुग में अन्न में दोष है, अन्न में ही प्राण है, इसलिए कलयुग में जान अनजान के दोष पाप संभव है। एक महात्मा बड़े सिद्ध, बड़े तपस्वी, उच्च कोटि के, उनका विचार बता रहे हैं। वो कहते थे कि कलयुग में मरने के बाद 100 में 75 व्यक्ति प्रेत होता है, 25 व्यक्ति का ही उद्धार होता है। सतयुग त्रेता द्वापर में, सतयुग में कोई कोई मर करके अधोगति प्राप्त करता था। त्रेता में 10-5 लोग, द्वापर में 2-4 और बढ़े, लेकिन कलयुग में 100 में 75% लोग मरने के बाद भूत प्रेत योनि में चले जाते हैं। क्यों? आप कल्पना करिए, पूरे विश्व की जनसंख्या 6 अरब से अधिक है, अधिक ही होगी, और 6 अरब में कितने लोग नित्य भगवान की लीला कथा सुनते होंगे, उसका 100वां अंश, 1000वां अंश भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात है, और सुन करके उस पर कितना अमल होता है। एक मूर्तिकार ने 2 मूर्तियां बनाई, और दोनों मूर्तियों को बना करके उसने बाजार में बेचने के लिए अपनी दुकान पर लगा दिया। दोनों धातु की मूर्तियां थी, एक पर उसने कीमत लिखा 1 लाख और एक पर कीमत लिखा 100 रुपए। तो लोग आते देख के आश्चर्य करते कि दोनों एक जैसी हैं, दोनों का आकार प्रकार बनावट एक जैसे है, दोनों में धातु समान है। तो जो जिज्ञासु थे वो पूछे कि भाई ये बतलाओ, ये दोनों मूर्तियां समान हैं वजन में भी, धातु में भी, तो एक की कीमत 1 लाख और एक की कीमत 100 रुपए या 1000, ऐसा क्यों? कहीं इसमें सोना अधिक डाला है, चांदी अधिक? कहा कुछ नहीं, सब बराबर है। तो कहा आखिर में एक की कीमत 1 लाख रुपए और एक की कीमत 100 रुपए, इसका मतलब हम लोग नहीं समझे। तो उसने एक तागा लिया और एक मूर्ति के कान में डाला इधर से, तो इधर से खींच के निकाल दिया, कहा इसकी कीमत 100 रुपए। और एक तागा लिया और उस दूसरी मूर्ति के कान में डाला, वो अंदर चला गया, तागा खत्म हो जाए, लेकिन कहां जा रहा है पता नहीं चला।
उसने कहा इसकी कीमत 1,00,000 है, यानी भर ही निरंतर हो ही न पूरे, तिनके ही तुम कह गृह रूरे। वाल्मीकि जी ने राम जी से कहा कि हे प्रभु, आप उनके हृदय में निवास करें जिन्होंने अपने कान को समुद्र बना रखा है, और आपकी कथा रूपी नदियां उनके कान रूपी समुद्र में दिन रात गिरती रहें और भरती रहें, कभी पूर्ण न हो, उनके हृदय में आप रहें, यानी वो बाहर न निकलने पावे। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग शरीनाना, भर ही निरंतर हो ही न पूरे, तिनके ही तुम कह गृह रूरे। यानी भगवान का चरित, भगवान की लीला कथा हृदय में आकर स्थिर हो, उस पर विचार हो, वो जीवन में उतरे, तो उसका किसी भी युग में उद्धार है। और एक कान से सुना दूसरे कान से निकल गई तो वो 100 रुपए कीमत है, उसको लाभ नहीं मिला। लेकिन 100 रुपए कीमत इसलिए है कि जितनी देर बैठा उतनी देर तक कलयुग का प्रभाव नहीं पड़ा, और उसके बाद फिर वही। इसलिए कलयुग में जीव से ज्ञात अज्ञात दोष अधिक बनते हैं, अतः गति होना बड़ा कठिन है। इसलिए कलयुग में भगवान की लीला कथा श्री रामचरित को श्रवण करके हम अपना उद्धार करें, श्री कृष्ण चरित को श्रवण करके हम अपना उद्धार करें। तो ऋषियों ने पूछा, महाराज आप बताइए इस कलिकाल के प्राणियों के कल्याण का क्या उपाय है, क्योंकि जीव से दोष पाप बनते हैं। इह घोरे कलौ प्रायो जीवश्चासुरताम गतः क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। ऋषियों ने सूत जी से कहा कि भगवन, इस कलयुग में मनुष्य का स्वभाव असुर जैसे हो गया। देखिए मनुष्य और असुर में अंतर क्या है। असुर उसको कहते हैं जो केवल अपने शरीर को ही खा पी करके बनाने में लगा रहता, उसको असुर कहते हैं, और जो भगवान के चिंतन में लगा रहता उसे सुर कहते हैं। सुर माने देवता। असुरों का यह स्वभाव है, जिसका लेना छीन लेना लूट लेना। तुलसीदास जी ने लिखा कि रावण क्या करता है, जही जही देश धेनु दिज पावही, नगर गांव पुर आग लगावही, शुभ आचरण कतहु नहीं होई, देव विप्र गुरु मान न कोई। ये असुर स्वभाव है, केवल मैं स्वस्थ रहूं, मेरा शरीर बना रहे, मैं हृष्ट पुष्ट रहूं, तो शरीर तक ही जो विचार करता है वो असुर है। और जो आत्मा का विचार करता है, परमात्मा का विचार करता है, वो देवता है। मनुष्य शरीर देवता के लिए बनने के लिए मिला है, असुर होने के लिए नहीं। तो कह रहे हैं जीवश्चासुरतांग गतः, कलयुग के प्राणी का स्वभाव असुर जैसे हो गया, अतः उसके कल्याण का क्या उपाय है, हे सूत जी आप बतलाइए। सूत जी ने कहा कि हे महर्षियों, आपका प्रश्न बड़ा उत्तम है। एकमात्र काल रूपी भयंकर सर्प से बचाने का उपाय अगर कोई है, वो काटे नहीं, तो वह है श्रीमद् भागवत महापुराण। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णाश है तवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। काल जो है सर्प है, और काल रूपी सर्प सबको काटने के लिए सावधान है। हम असावधान हैं, हम सोचते हैं कि हम 200-400 वर्ष जिएंगे, अभी हम मरने वाले नहीं हैं, लेकिन काल हमारे पीछे खड़ा है, वो कब आक्रमण कर दे हमें पता नहीं। काल झपट्टा देता है दिन में 12,000, लेकिन मूर्ख नर समझे नहीं कैसे उतरे पार, कैसे उतरे पार मोह में हारा बाजी, भजा नहीं भगवान रहा माया में राजी। कहत दीन दरवेश अरे अब छाड़ दे कूर कपट्टा, दिन में 12,000 देत है काल झपट्टा, कालह क्रीडति गच्छत्यायुः तदपि न मुंचत्याशावायुः।
पश्यन्नपि न च पश्यति लोकः उदर निमित्तं बहुकृत शोकः भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते प्राप्ते सन्निहिते मरणे नहीं नहीं रक्षते डुक्रिय करने। काल सावधान है, हम असावधान है, इसलिए हमें सावधान होना चाहिए। संत महात्मा ऋषि सावधान करते हैं, दीन दरवेश लिखते हैं कि अरे मर जाएगा मूर्खा क्यों न भजे भगवान। अरे मूर्ख मरना तो है ही, मर जाएगा मूर्खा क्यों न भजे भगवान, झूठी माया जगत की मत करना अभिमान, मत करना अभिमान, वेद शास्त्र यूं कहबे तज ममता भज राम नाम सो अंबर रहबे, तज ममता भज राम राम नाम सो अंबर रहबे, कहत दीन दरवेश फेर अवसर कब आवे, भजा नहीं भगवान अरे मूरख मर जावे। श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं, हे महर्षियों, इस घोर कलिकाल में जो सबसे भयंकर काल रूपी सर्प है वो सतत सावधान है, हम असावधान है, और उससे बचाने वाला अगर कोई उपाय है तो वह है श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम, वो है श्रीमद् भागवत शास्त्र, जिसको कलयुग में श्री शुकदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया। अच्छा बुलाना चाहिए कोई, ठीक से सेटिंग करो, काहे कौन करता है। कलयुग में शुकदेव जी ने इसे राजा परीक्षित को सुनाया। हे महर्षियों, जब परीक्षित ही सुन करके मुक्त हो गए तो विधाता ब्रह्मा जी को भी आश्चर्य हुआ। विधाता को इसलिए आश्चर्य हुआ कि मैंने इतने उपाय बताए और सबको पीछे छोड़ करके श्रीमद् भागवत महापुराण ही ऐसा दिव्य उपाय क्यों है, क्योंकि श्रीमद् भागवत तो विधाता का है नहीं, ब्रह्मा का है नहीं, ये तो भगवान नारायण ने ब्रह्मा को, ब्रह्मा ने नारद जी को, नारद जी ने व्यास जी को, व्यास जी ने फिर जब शुकदेव जी को दिया तो विस्तार हुआ, इसलिए ब्रह्मा जी की भी समझ में नहीं आया। उन्होंने एक तराजू पर तौला तो जिस पर भागवत जी को रखा वो सबसे भारी था, और जिस पर अन्य पूजा पाठ जप तप तीर्थ व्रत दान को रखा वो सब हल्के थे। यानी श्रीमद् भागवत महापुराण सुनने से श्रेष्ठ कोई पूजा, कोई दान, कोई जप, कोई यज्ञ, कोई व्रत नहीं है। इसका कारण क्या है, बराबरी कोई क्यों नहीं कर सकता? इसलिए कि आपने पूजा तो बहुत की लेकिन विधि में अगर दोष कर दिया तो पूजा का पूरा फल मिला नहीं। आपने दान तो किया लेकिन दान में विधि में आपने कमी कर दी तो पूरा फल नहीं मिलेगा। आपने तीर्थ तो किया लेकिन तीर्थ पुत्र पंडा को 10 रुपया देने के लिए आधा घंटा खोपड़ी चाटे तो उसका पूरा फल नहीं मिला। गंगा स्नान करने गए, लोटा से जल छिड़क लिया, डुबकी लगाए, नहीं तो तीर्थ का पूरा फल नहीं मिलेगा। दान गऊ का किया, हमारा उद्धार हो जाए तो जो गाय दूध तोड़ने वाली थी उसको, जो पंडित जी आपके घर पर काम करते हैं उनको दान किया तो उसका पूरा फल नहीं मिलेगा। यज्ञ आपने किया, यज्ञ में जितने छत थे उनका प्रयोग किया, संस्कृत में अक्षत होता है, अक्षत माने जो टूटा हुआ ना हो, छत माने टूटा हुआ, और अक्षत माने जो टूटा ना हो, तो जितना टूटा चावल है सब देवता को चढ़ा दिया और बड़े बड़े अपने खा लिए, तो अब कैसे पूरा फल मिलेगा? यानी कहीं न कहीं दोष बन जाएगा, परंतु पूर्ण फल सुनने में है। आप चाहे मन से सुने, बेमन से सुने, इतनी दिव्य व्यवस्था है, इतनी तेज, हम तो धीमे बोले तो भी आवाज आपके कान में तेज जा रही है, आप सुनने को विवश हैं अगर आ गए तो आपका कोई खर्च नहीं है, चाहे मन से सुनो चाहे न सुनो। आग को जान के छुइएगा तो भी हाथ जलेगा, बिना जान में छू जाएगा तो भी हाथ जलेगा। तो भगवान की कथा जान के भी कान में गई तो भी पाप कटेगा,
अनजान में गई तो भी पाप कटेगा। इसलिए इसमें कोई खर्च नहीं, कोई दोष नहीं है। संसार का सबसे अगर कोई दिव्य पदार्थ है तो वह भगवान की कथा ही है, जिसमें कोई खर्च नहीं और केवल सुनने के लिए। उसमें भी दो विधि है, एक तो प्रत्यक्ष और दूसरे परोक्ष। जैसे घर में टीवी में बैठ के आप सुनते हैं वो परोक्ष है, सामने नहीं है, और सामने बैठ के सुनते हैं ये प्रत्यक्ष है। वक्ता की दृष्टि जाती है, संतों का दर्शन होता है, भावनाओं का, आपके समय का उपयोग होता है। आ घर में तो आप स्वेटर बुन रहे हैं, कथा भी सुन रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, कथा भी सुन रहे हैं, तो एक साथ कई काम होते हैं। दूसरे दृष्टि नहीं है, दृष्टि का प्रभाव पड़ता है। जैसे आप टीवी पर देखते होंगे अनेक प्रकार के अचार, नींबू का अचार, आंवले का अचार, आम का अचार आदि का प्रचार आता है, लेकिन किसी के मुंह में पानी नहीं आता। और दुकान पर खड़े हो जाइए, वही अचार उसने अगर दिखाया तो उससे पहले मुंह में पानी आ जाएगा, सामने में पानी आ जाएगा, और पीठ पीछे टीवी में देखने पर कुछ नहीं होता। तो प्रत्यक्ष से जो पुण्य की प्राप्ति होती है, सीधे जो शब्द आता है, वो जीव को विशेष फल देता है। और जो आप दूर से सुनते हैं उसमें आपके समय का उपयोग होता है, विशेष पुण्य की प्राप्ति नहीं होती, वहां आपका उतना समय सार्थक हुआ। इसलिए कथा श्रवण का जो रूप है वो बड़ा विलक्षण है। श्री ब्रह्मा जी महाराज ने जब तौला तो भागवत जी का पलड़ा सबसे भारी था, सारे साधन हल्के हो गए। तो उन्होंने निर्णय किया कि यह भागवत कोई अन्य वस्तु नहीं, ये साक्षात श्री कृष्ण ही हैं। मेनिरे भगवद रूपम श्रीमद भागवतम कलऊ, ये साक्षात भगवान का स्वरूप है। इसलिए ब्रह्मा जी ने, विधाता ने निर्णय किया कि जीव के कल्याण का इससे श्रेष्ठ मंगलमय उपाय कोई दूसरा नहीं। सबसे दिव्य उपाय जीव के कल्याण का श्रीमद भागवत महापुराण का श्रवण है। इसीलिए साकेतवासी श्री वशिष्ठ जयाशरण जी के प्रथम पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में श्री महाराज जी ने श्रीमद भागवत महापुराण का आयोजन किया। महापुरुषों की तो गति होनी ही है, लेकिन इतने जीवों का उद्धार कैसे होगा? जिसके कान में सदगुरुदेव ने मंत्र दे दिया उसकी गति में कोई संशय नहीं है, उसका उद्धार तो होना ही है। अब हमारी अपनी व्यवस्था है कि एक जन्म में हो, दो जन्म में हो, तीन जन्म में, हम प्रमाद कर दिए तो हो सकता है कि एक जन्म में नहीं दूसरे जन्म में हो, लेकिन कभी भी उसका पतन नहीं होगा। भगवान का जो भक्त हो गया, सदगुरु ने, संत ने, ऋषि ने जिसके कान में शब्द ब्रह्म का मंत्र दे दिया, अगर वो वैदिक परंपरा का है तो उसके उद्धार होने में संशय नहीं है। अरे भाई, हम एक शब्द बोलते हैं आप नाराज हो जाते हैं, और दूसरा शब्द बोलते हैं आप प्रसन्न हो जाते हैं, हंसने लगते हैं, यानी शब्द में ही जादू है। आज भी विज्ञान कुरुक्षेत्र में मशीनों से विदेशों के लोग भी पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं कि भगवान ने अर्जुन को जो गीता का उपदेश किया उसे हम मैकेनिकली पकड़ें कैसे, क्या है, क्योंकि शब्द का नाश नहीं होता। तो गुरुदेव ने कान में मंत्र दिया तो उसका नाश नहीं होना है, उस जीव का उद्धार होना है। अब आपको हमने चाकू दे दिया कि इससे सब्जी काटिए, आप लोग कहते हैं अमनिया करिए, अब चाकू से आपने कभी प्रयोग नहीं किया, घर में रख दिया, रखे रखे जंग लग गई, लेकिन फिर भी वो चाकू तो है ही, उसको देख करके दिखा करके किसी को डरा तो आप सकते ही हैं। इसलिए उस मंत्र की शक्ति नष्ट नहीं होती, शब्द की शक्ति कभी नष्ट नहीं होती है, वो कान में गई है। अगर शब्द की शक्ति, भगवान का मंत्र गया है तो उस जीव का उद्धार होके रहेगा, क्योंकि भगवान गीता में कह रहे हैं
नमे भक्तः प्रणश्यति। हे अर्जुन तुम प्रतिज्ञा करो। अर्जुन से भगवान कृष्ण कह रहे हैं, अर्जुन तुम प्रतिज्ञा करो कि मुझ कृष्ण के भक्त का नाश नहीं होता। अर्जुन ने कहा हम क्यों प्रतिज्ञा करें? आप प्रतिज्ञा करो द्वारिकाधीश कि मेरे भक्त का नाश नहीं होता। भगवान ने कहा मैं प्रतिज्ञा नहीं करूंगा, तुम प्रतिज्ञा करो कि कृष्ण के भक्त का नाश नहीं होता। अर्जुन ने कहा क्यों? भगवान ने कहा मेरी प्रतिज्ञा अगर कोई भीष्म जैसा आ जाएगा तो टूट जाएगी, लेकिन अगर मेरा भक्त प्रतिज्ञा कर ले कि मेरे प्रभु के भक्त का नाश नहीं होता तो मैं अपने भक्त की प्रतिज्ञा के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ सकता हूं। नमे भक्त अपिचेत सुदुराचारो भजते मामनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो हि सः क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांतिम निगच्छति कौन्ते प्रतिजानी ही नमे भक्त प्रणश्यति। भगवान कह रहे हैं गीता में कि कितना भी बड़ा दुराचारी हो, अपिचेत सुदुराचारो, नामी बदमाश हो, दुराचारी हो, पापी हो, लेकिन अगर वो मुझ परमात्मा का भजन करने लगा, मेरा हो गया, मेरे तिलक चंदन कंठी को गले में धारण कर लिया, भजते माम अनन्य भाग, तो भगवान कह रहे हैं साधु रे उस मंतव्य, हे अर्जुन अब वो साधु हो गया। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वो पापात्मा धर्मात्मा हो गया। शश्वत शांति में निगच्छति, अब उसे परम शांति मिलेगी। इसलिए हे अर्जुन प्रतिज्ञा करो मेरे भक्त का नाश नहीं होता। जब अयोध्या में एक धोबी मरा और मर करके जब नरक में गया तो वहां के लोगों ने उसको नरक में भी नहीं घुसने दिया, स्वर्ग में गया वहां भी नहीं जाने दिया, वैकुंठ में ही नहीं जाने दिया। अरे ये बड़ा पापी है, इसने भगवती जानकी जी की निंदा की है जिनके जीवन में कोई दोष नहीं था, और उनकी निंदा करने वाला ये पापी हम नरक में आएगा तो हमको और कष्ट होगा, इसलिए ना उसको नरक में ढुकने दिया जा रहा है, न स्वर्ग में, न वैकुंठ, कहीं नहीं, वो भटक रहा है। राम जी को पता चला कि मेरी अयोध्या का मरने वाला एक व्यक्ति कहीं किसी लोक में उसे शरण नहीं मिल रही है, तो भगवान ने क्या किया, एक विशोक लोक बनाया राम जी ने अपने संकल्प से, अलग, जैसे ध्रुव जी के लिए अलग लोक बनाए, विशोक लोक जहां कोई शोक न हो, ऐसे लोक का राम जी ने निर्माण किया, और उस बिचारे को कहा तुम विशोक लोक में जाओ। तुलसीदास जी लिख रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं, सिय निंदक अघ ओघन साए लोक विशोक बनाई बसाए। सीता जी की निंदा करने वाले के अघ ओघ नशाए, उसके सारे पाप का भगवान ने नाश कर दिया, और लोक विशोक बनाई बसाए, विशोक लोक बना करके उसको वहां बसा दिया कि मेरा भक्त है, मेरी अयोध्या में पैदा हुआ इसलिए मेरा है, अतः उसका पतन नहीं होना चाहिए। तो भगवान के मंत्र वाले का पतन कैसे होगा जब निंदा करने वाला भगवान की भूमि में आ गया और उसका उद्धार हो गया? तो शब्द का बड़ा जादू है, ब्रह्मा जी को आश्चर्य हुआ। इसी श्रीमद् भागवत महापुराण को सनकादिकों ने नारद जी को महात्म के रूप में सुनाया था। सब मिल गाए सुने सुनाए श्याम कथा अब घर घर में आओ गाए मौज मनाए श्याम कथा अब घर घर में सब मिल गाए सुने सुनाए श्याम कथा अब घर घर में आओ गाए मौज मनाए श्याम कथा अब घर घर में आओ गाए मौज मनाए श्याम कथा अब घर घर में
सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग सब में महिमा भारी है। माने पूछे प्रश्न अनेको तब बोले त्रिपुरारी है। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग सब में महिमा भारी है। माने पूछे प्रश्न अनेको तब बोले त्रिपुरारी है। आप भी कालो सहज ही पालो, आप भी कालो सहज ही पालो। चार पदार्थ निज कर में आओ गाए सुने सुनाए साम कथा अब घर घर में। आओ गाए सुने सुनाए साम कथा अब घर घर संपत्ति पा जाता है। श्याम कथा दृढ़ नाव है न्यारी भव सागर तर जाता है। जो सप्रेम सुनता और गाता सुख संपत्ति पा जाता है। राम कथा दृढ़ नाव है न्यारी भव सागर तर जाता है। हम भी पावे आप भी पावो, हम भी पावे आप भी पावो। हम भी पावे आप भी पावो तुलसी के मानस सर में। आओ गाए मौज मनाए श्याम कथा अब घर घर में। आओ माए मौज मनाए श्याम कथा अब घर घर में। प्रकाशक सब विधि महिमा न्यारी है। भक्तिदायक मुक्तिदायक श्याम कथा अति प्यारी है। दुख विनाशक ज्ञान प्रकाशक सब विधि महिमा न्यारी है। मानो जन्म को धन्य बना लो, मानो जन्म को धन्य बना लो। बाजी है तुम्हारे कर में, आओ गाए मौज मनाए श्याम कथा अब घर घर में। आओ गाए मौज मनाए श्याम कथा अब घर घर में।
शक्ति भुसुंडी गरुण जी याज्ञवल्क ऋषि गाए हैं। गुरुवर गिरधर और अनेको महापुरुष मन भाए हैं। शिव शक्ति भुसुंडी गरुण जी याज्ञवल्क ऋषि गाए हैं। गुरुवर गिरधर और अनेको महापुरुष मन भाए। बैठो प्रेमी तुम्हें सुनाए, बैठो प्रेमी तुम्हें सुनाए। श्याम कथा भूषण स्वर में आओ गाए मौज मनाए। श्याम कथा अब घर घर में आओ गाए मौज मनाए। सब मिल गाए सुने सुनाए। श्याम कथा घर घर में आओ गाए मौज मनाए। श्याम कथा अब घर घर में आओ गाए मौज मनाए। श्याम कथा अब घर घर में आओ गाए मौज मनाए। वत्सल भगवान की श्री राधा माधव भगवान की। ब्रह्मा जी ने निर्णय किया कि श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण सबसे श्रेष्ठ है। एक बार श्री नारद जी महाराज वैकुंठ से स्वर्ग होते हुए पृथ्वी पर आए। पृथ्वी पर उन्होंने देखा कि सर्वत्र कलिकाल का ही प्रभाव है। वे तीर्थों में गए। नारद जी ने तीर्थों में भी देखा कि सर्वत्र कलयुग ने अपना एक छत्र साम्राज्य स्थापित कर रखा है। लोगों में धर्म नहीं रह गया है। पाप स्वाभाविक रूप से व्यक्ति से होते हैं। किस प्रकार से हमारे पेट की पूर्ति हो केवल इसी धंधे में जीव लगा है। भगवान की भक्ति और उनकी लीला कथा से दूर है। ज्ञान वैराग्य को कोई पूछता नहीं। श्री नारद जी महाराज भक्ति के आचार्य हैं। नारद जी भ्रमण करते हुए श्रीधाम वृंदावन में आए जहां भगवान ने अवतार लिया था। नारद जी महाराज ने देखा कि यमुना जी के तट पर बहुत सी स्त्रियां खड़ी हैं, कोई पंखा चला रही है, कोई चवन डुला रही है। नारद जी महाराज वहां देखते हैं कि एक स्त्री है जो बैठी हुई है, युवती है, और दो बालक वहां बूढ़े पड़े हुए हैं। बार बार वो युवती उनको जगा रही है लेकिन वो मूर्छित हैं, उठ नहीं पा रहे हैं। नारद जी गए तो उस स्त्री को सुख मिला। उसने कहा कि भो साधो क्षणम तिष्ठ मत चिंताम अपि नाशय। उसने कहा हे महात्मा जी आप थोड़ी देर रुकिए, हमारी भी चिंता दूर करिए। नारद जी ने कहा कि हम चिंता दूर करने आए। उसने कहा आपने बड़े बड़े लोगों की चिंता दूर की, कयाधु के पुत्र प्रहलाद की चिंता को दूर कर दिया, आपने उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव जी की चिंता दूर कर दी, तो जिनसे आप मिले उनको भगवान मिल गए। तो नारद जी मैं आपको पहचान रही हूं, आप भगवान की भक्ति का प्रसाद वितरण करने वाले हैं। इसलिए हे नारद जी आप थोड़ी देर यहां ठहरिए। नारद जी ने पूछा तुम्हारा परिचय। उस स्त्री ने कहा मेरा नाम भक्ति है और ये दोनों मेरे पुत्र हैं, इनका नाम ज्ञान वैराग्य है। ज्ञान बड़ा है, वैराग्य छोटा है और वे दोनों मूर्छित हैं और मैं युवती हूं।
माँ जवान हो, युवती हो और पुत्र बूढ़े हो जाएं, ये विडंबना है। होना चाहिए माँ को बूढ़ी डोगरी होना चाहिए और पुत्रों को युवा होना चाहिए, लेकिन ये कलयुग का प्रभाव है। आप देखते हैं कि पिता के बाल अभी पके नहीं, बच्चों के बाल पक जाते हैं, बूढ़े होने लगते हैं, कलिकाल का प्रभाव है। तो मुझे इस बात की चिंता है कि ये मेरे पुत्र स्वस्थ हो जाएं। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बढ़ी, महाराष्ट्र में थोड़ी बढ़ी, लेकिन गुर्जरे जीर्णता गता, गुर्जर में जहां पाखंड की प्रबलता है, मेरे अंग जीर्ण शीर्ण हो गए, तो मैं श्रीधाम वृंदावन में आई, लेकिन यहां मैं तो स्वस्थ हो गई लेकिन मेरे पुत्र स्वस्थ नहीं हुए। आप कृपा करें, इनका जैसे भी मंगल हो, ये स्वस्थ हो जाएं। ये अध्यात्म है, अध्यात्म माने आत्मा को लेकर के जो विचार किया जाता है उसे अध्यात्म कहते हैं। तो भक्ति अगर किसी के हृदय में है तो उसके पुत्र है ज्ञान वैराग्य, तो भक्ति का फल है ज्ञान वैराग्य आना चाहिए। और अगर भक्ति आप कर रहे हैं और आपको ज्ञान वैराग्य नहीं हो रहा है तो समझिए आपकी भक्ति ठीक नहीं चल रही। भक्ति का मतलब है भगवान की सेवा पूजा आदि, जप तप का मतलब है कि आपको संसार से वैराग्य होना चाहिए, आपको भगवान के प्रति अनुराग होना चाहिए। और जितना ही भजन कर रहे हैं उतना ही मुकदमा लड़ रहे हैं, इसका मतलब कि वैराग्य नहीं है। जितना ही भजन कर रहे हैं उतने ही काम क्रोध लोभ से ग्रस्त हैं, तो इसका मतलब भक्ति ने अभी पुत्रों को जन्म नहीं दिया है। यानी भक्ति का परिणाम, भक्ति का विवाह नारायण से हुआ है, इसलिए भगवान की प्रिया है भक्ति। और भक्ति के दो पुत्र हैं ज्ञान वैराग्य। अगर पुत्र नहीं हो तो वो स्त्री बांझ हो जाती है, अगर भक्ति हो और ज्ञान वैराग्य ना हो तो भक्ति का कोई फल ही नहीं है। और भक्ति है तो ज्ञान वैराग्य होना चाहिए। भजन करने वाले देखिए महात्मा लोग, छोड़ छाड़ घर गांव नाव कुल यही पंथ मन भाया है, सब छोड़ करके भगवान की शरण में है। एक रिक्शा वाला हमें मिला, एक जगह की बात है, तो मैं उसके रिक्शा पर बैठा, आज के 20 वर्ष पहले की बात है, तो वो ले जा रहा था तो बहुत से झोले कपड़े उस रिक्शे में उसने लटका रखे थे, पैर का रिक्शा। तो मैंने पूछा ये सब तुमने क्या इस पर लाद रखा है, उसने कहा महाराज यही मेरा घर है, यही मेरा मकान है, यही मेरी दुकान है, यही मेरा जीवन है। हमने कहा क्यों, कहा पत्नी मर गई, बच्चे हुए नहीं, माता पिता बचपन में मर गए, रिक्शा चलाते हैं और कोई घर मकान है नहीं, तो इसी पर सो करके दिन काट लेते हैं, होटल में खा लेते हैं। हमने कहा बचाते कितना हो, कहा 20-25 बचता, वो भी शाम को पी पा के सो जाते हैं। हमने उससे कहा कि रहते कहां हो, कहा ससुराल वाले भी अब रहने नहीं देते तो मैं कहां जाऊं, कहीं किसी जगह जहां भी गाड़ी घोड़े खड़े होते कोई छाया मिल जाती उसी के नीचे रह लेते हैं। तो हमने कहा कि तुम्हारा जीवन तो लगभग 50 के हो गए, अच्छा नहीं है, इस तरह से कैसे जीवन यापन करोगे, चलो तुमको हम अपने आश्रम में रखते हैं, कोई काम नहीं है तुमको, केवल भगवान के सामने बैठना है, 5-10 मिनट आधा घंटा कीर्तन करो, दोनों टाइम भोजन कपड़ा सब तुमको देंगे। कहा महाराज ये काम हमसे नहीं होगा, छोड़ना बड़ा कठिन है, ये यथार्थ घटना हम बता रहे हैं, हम बैठ के नहीं खा सकते। अरे हमने कहा तो तुम काम करना, गाय का गोबर उठाना, कहा नहीं नहीं रिक्शा ही हम चलाएंगे। घर छोड़ना, वैराग्य होना, ये सामान्य पुण्य का फल नहीं है, भगवान की बड़ी कृपा है, कई जन्मों के पुण्य होते हैं तब जाकर के किसी को पुत्र होता है। तो वैराग्य ही पुत्र है, ज्ञान ही पुत्र है, ज्ञान वैराग्य होना बड़ा कठिन है, संसार से छुटकारा पाना। भक्ति कह रही कि मेरे पुत्र ज्ञान वैराग्य इस समय
मूर्छित हैं। नारद जी ने कहा चिंता मत करो। नारद जी ने उनके कान में गीता के 18 अध्याय सुना दिए, 700 श्लोक, संपूर्ण वेद मंत्र सुनाए, ब्रह्म सूत्र सुनाया, लेकिन वो उठे नहीं, हिल डुल के फिर जैसे के तैसे हो गए। नारद जी की चिंता बढ़ी कि जब गीता सुनाया, ब्रह्म सूत्र सुनाया, वेद मंत्र सुनाए, ये ठीक नहीं हुए तो कैसे ठीक होंगे। संतों से उन्होंने पूछा, संतों ने भी कोई उत्तर नहीं दिया। जो भक्ति का आचार्य है, नारद जी ने प्रेम दर्शन लिखा है, गीता प्रेस से प्रकाशित है, उसी को नारद भक्ति सूत्र कहते हैं। भक्ति के सबसे पहले आचार्य श्री नारद जी हैं, और वो कह रहे हैं कि भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग्य कैसे ठीक होंगे। अंत में नारद जी महाराज भक्ति के पुत्रों को ठीक करने का वचन दे करके बद्रिकाश्रम में आए कि अपने स्वामी भगवान नारायण से चल के चर्चा करेंगे। बद्रिकाश्रम में भारतवर्ष के देवता भगवान नर नारायण हैं और वो तप करते हैं। 6 महीने उनकी पूजा मनुष्य करते हैं, 6 महीने पूजा देवता करते हैं। अक्षय तृतीया से दिवाली तक मनुष्य भगवान शंकराचार्य के वंश में उत्पन्न नंबूदरी पाद गोत्र के ही ब्रह्मचारी ब्राह्मण पूजा करते हैं, और उसके बाद 6 महीने नारद जी करते हैं जब पट बंद हो जाता है। देवर्षि हैं, देवताओं के ऋषि हैं, तो अपने आराध्य से चल करके हम पूछते हैं। कलिकाल के प्राणियों के, भारत के प्राणियों के मंगल के लिए भगवान बद्रीनाथ पूजा करते हैं, ये श्रीमद् भागवत में आगे लिखा है। वो सारे देश के नहीं, भारत भूमि के प्राणियों के कल्याण के लिए। और इसका प्रतिफल क्या है कि 1000 वर्षों तक हम राजनैतिक गुलाम रहे, हम 1000 वर्ष तक राजनीतिक गुलाम थे, हमारे राजा महाराजा राज आदि चले गए, हम आपस में लड़ते रहे, लेकिन हम सांस्कृतिक गुलाम नहीं हुए। और आज हमारे देश और हमारे राष्ट्र पर सांस्कृतिक गुलामी का संकट है। 1000 वर्ष की गुलामी की जंजीरें हम पर रहीं, मलेच्छों के अधीन रहे, लेकिन हमारा धर्म, हमारी संस्कृति नष्ट नहीं हुई। इतनी पाताल से भी गहरी इसकी जड़ें हैं, कोई नष्ट नहीं कर सका। तो इसका नाश नहीं किया जा सकता, क्योंकि भगवान बद्रीनाथ नर नारायण उस क्षेत्र में रह करके यहां के लोगों का मंगला शासन करने के लिए तप करते हैं। बीज का नाश भगवान नहीं होने देंगे, इसलिए हमें भी भगवान की कृपा का प्रसाद लेने के लिए साधन करना चाहिए। नारद जी गए, भगवान का दर्शन तो नहीं हुआ, पहले संतों का दर्शन हो गया। 4 भाई सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये 4ों भाई हैं, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, बड़े ज्ञानी हैं। सन माने संस्कृत में दान होता है, सन का अर्थ होता है दान। तो 4ों भाई दानी हैं, लेकिन इनके पास फूटी कौड़ी नहीं है, शरीर को ढकने के लिए एक कौपीन भी नहीं है, और इनको दानी कहा जाता है। ते दानी क्या है, जिसके पास कुछ है ही नहीं वो दान क्या करे। लेकिन ये दानी है, ये ज्ञान का दान करते हैं, ये वैराग्य का दान करते हैं, ये भक्ति का दान करते हैं। हमारे यहां शास्त्र कहता है, सबके कर्जे से आप मुक्त हो सकते, सबका ऋण आप चुका सकते हैं, लेकिन जिस गुरु ने आपको भगवान के ज्ञान वैराग्य भक्ति का मंत्र दान किया, उसके ऋण से किसी जन्म में आप मुक्त नहीं हो सकते। उस आचार्य का, उस गुरु का ऋण आप पर है, क्यों कि उसने आपको भक्ति ज्ञान वैराग्य का भवसागर से पार होने के लिए दान किया, भगवत मंत्र दिया, इसलिए वो सबसे बड़ा दानी है। तो सनकादिक के पास धन नहीं है, संपत्ति नहीं है, लेकिन ये ज्ञान का दान करने वाले हैं, ये भक्ति का दान करते हैं। और शास्त्र कहता है, रिते ज्ञानान न मुक्ति, बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं हो सकती, बिना वैराग्य के उद्धार नहीं हो सकता है। सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा कब सुनाते हैं, जब सब छोड़ के आते हैं,
पुत्र छोड़ दिया, पत्नी छोड़ दी, परिवार छोड़ दिया, धन छोड़ दिया, राजगद्दी छोड़ दी, जिस हस्तिनापुर के सिंहासन के लिए परीक्षित के बाप दादों ने, युधिष्ठिर अर्जुन आदि ने कुरुक्षेत्र में रक्त की नदियां बहा दी, उसी राज्य को बिना किसी श्रम के परीक्षित जी छोड़ दिए, इतने वैराग्यवान है। और पुत्र आदि को सबको छोड़ करके एक फूटी कौड़ी भी नहीं लिए गंगा जी के तट पर, जब सब कुछ त्याग करके सबका दान करके बैठे, तब सुखदेव जी आए कि मैं जैसा विरक्त हूं, जैसा त्यागी हूं, वैसे ही चेला भी परीक्षित भी है, दोनों की श्रेणी समान होनी चाहिए। श्रोता बक्ता ज्ञान निधि हो, श्रोता ज्ञानी हो, बक्ता मूर्ख हो, तो कैसे काम चलेगा। तो सनकादिक चार भाई हैं, चारों व्यक्ति दान करते हैं ज्ञान का, कथा का। तीन श्रोता होते हैं, एक कथा कहते हैं, जब वो थक जाते हैं तो फिर तीन श्रोता होते हैं, दूसरे बैठ जाते हैं, दूसरे कहते हैं। नारद जी गए, उनको प्रणाम किया तो उन ऋषियों ने कहा, नारद जी आपका मुख चिंता से ग्रस्त है, लगता है आपका कोई बहुत बड़ा धन खो गया, आपको किस बात की चिंता। नारद जी ने कहा कि भगवान, भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग्य को मैंने प्रयास किया लेकिन वो स्वस्थ नहीं हुए, मूर्छित पड़े हैं वृंदावन की भूमि पर, और उन्हीं के चिंता को दूर करने के लिए मैं आया हूं। सनकादिकों ने कहा, उपाय तो आपको मालूम है, आप जानते हैं श्रीमद् भागवत के महात्म्य की कथा सुन करके वे स्वस्थ हो जाएंगे, उनकी मूर्छा दूर हो जाएगी। नारद जी ने कहा, मैंने तो सारा वेद सुना दिया, सारे ब्रह्म सूत्र गीता को उनके कान में सुना दिया। श्री सनकादिकों ने कहा कि गीता वेद और ब्रह्म सूत्र से वो ठीक नहीं होंगे, लेकिन भागवत जी के श्रवण से वो स्वस्थ हो जाएंगे। देखिए, आप आम के पत्ते को दांत से चबाइए, उसके छिलके को चबाइए, वो स्वाद नहीं मिलेगा जो उसी आम के फल को खाने से स्वाद मिलेगा। यद्यपि वो उसी पेड़ से पैदा हुआ है, लेकिन मिठास आम में है, पेड़ के छिलके डाली पत्ते में मिठास नहीं है। तो वेद गीता ब्रह्म सूत्र से ही भागवत जी की उत्पत्ति है, लेकिन जो मिठास श्रीमद् भागवत महापुराण में है, वो वेदों में, वो गीता में, वो ब्रह्म सूत्र में नहीं है, क्योंकि उनका तत्व निकाल लिया। दूध से ही घी निकलता है, लेकिन घी का स्वाद दूध में नहीं मिलता, क्यों है, तो दूध का ही निकला हुआ घी, लेकिन उसको संतों ने मथ करके उसको दिव्य सुंदर बना दिया है, इसलिए वो ग्राह्य हो गया है। तो सनकादिकों ने कहा, नारद जी इसलिए भागवत श्रेष्ठ है। नारद जी ने कहा, तो कैसे कृपा होगी। उन्होंने कहा, हरिद्वार में चलो। तो हरिद्वार में भागवत जी के महात्म्य की कथा सुनाने के लिए बद्रिकाश्रम से सनकादिक लोग आए। नारद जी भगवान के संचार मंत्री हैं। नारद जी ने आवाज लगा दी, एक बार बोले, पूरे ब्रह्मांड में ध्वनि फैल गई कि हरिद्वार के आनंद नाम के तट पर सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार चारों भाई भागवत जी की कथा महिमा सुनाने जा रहे हैं, आइए। अच्छा, ये बताइए, अगर आप अपने हाथ में रेडियो लिए हैं और बीबीसी का समाचार आ रहा है, अगर आपका रेडियो खुला है, स्टेशन पकड़ा है, तो आपको सुनाई देगा, और अगर आपका रेडियो खुला भी है, स्टेशन नहीं पकड़ा है, तो नहीं सुनाई देगा, आए बाएं साएं बोलेगा वो। कहने का मतलब कि जिनका तार कनेक्शन भगवान से लगा है, वो कहीं दुनिया में रहेंगे, यहां बोलिएगा उनको सुनाई देगा, और जिनका तार कनेक्शन संसार से लगा है, उनको भगवान की लीला कथा सुनाई नहीं देगी। तो बड़े बड़े ऋषि मुनि तो भगवान में ही अपना मन, अपनी बुद्धि, अपना व्यवहार लगाए रहते हैं, काम घर का करते हैं, लेकिन भगवान से तार जुड़े होने पर ज्यों ही नारद जी ने आवाज लगाई कि सारे संसार में यह ध्वनि फैल गई, कोई समाधि में था, कोई
योग में, कोई ज्ञान में, कोई जप में, कोई तप में, सभी दौड़े हुए चले आए आकाश मार्ग से हरिद्वार में। क्योंकि जो ज्ञान वैराग्य के मूर्तिमान स्वरूप हैं, वो इस समय ऐसा प्रसाद देने जा रहे हैं जिससे ज्ञान विज्ञान की भी प्राप्ति होगी, सोया हुआ ज्ञान वैराग्य भी जग जाएगा और भगवान की भक्ति भी मिल जाएगी। तो जहां भक्ति ज्ञान वैराग्य है वहां भगवान है ही। त्वया हूतस्तु भगवान यात नीच गृहे स्वपि, जहां भगवान है, भक्ति है, वहां भगवान है। मैं निज भक्तन हाथ बिकाऊं, भगवान कहते हैं मैं तो भक्तों के हाथ बिका हुआ हूं। भक्त कहे सोई करूं निरंतर, बेचे तो बिक जाऊं, भक्त बेचे तो मैं बिक जाता हूं। बासन माजू जूठन खाऊं, छप्पर छान छवाऊं, मैं निज भक्तन हाथ बिकाऊं। तो भगवान भक्ति से वश में हो जाते हैं। तुलसी गाते हैं लोग वृंदावन के कि नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया। जो ब्रह्म सारे जगत को नचाने वाला है, अखिल ब्रह्मांड को जो नचाने वाला है, तुलसीदास जी कहते हैं कि जग पेखन तुम देखनी हारे, विधि हरि शंभु नचाव निहारे। आप ब्रह्मा शिव को भी नचाने वाले हैं और तेउन जान ही मरम तुम्हारा और तुम ही को जान निहारा। तो जो सबको नचाने वाला है उसको अहीरों की जो स्त्रियां गोपियां हैं, वेद वेदांत नहीं पढ़ी हैं और कहती हैं लाला हम आपको एक गिलास छाछ देंगी नाच करके दिखाओ, तो नाचते हैं। ताही अहीर की छोहरिया छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे, शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हु जाही निरंतर गावे, अजाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुभेद बतावे। नारद से शुक व्यास रटे पचिहारे तो कुनि पार न पावे, लेकिन ताही अहीर की छोहरिया छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे। उस ब्रह्म को एक छाछ, एक गिलास छाछ पर नचाने की शक्ति हमारे आप में है, वो गोपियों में है। उन्होंने वेद वेदांत नहीं पढ़ा है, स्कूल का मुख नहीं देखा है, गऊओं की सेवा करती हैं, लेकिन उनके रोम रोम में कृष्ण बसे हैं। सोते जागते उठते बैठते संसार का व्यवहार भी है लेकिन कृष्ण से वो दूर नहीं है। तो ठाकुर को भक्त ही नचा सकता है, नहीं तो वो तो सारे जगत को नचाने वाला। तो भक्ति से, वैराग्य से, ज्ञान से वो सच्चिदानंद ब्रह्म भी पीछे पीछे घूमता है, नाचता है। इसलिए बड़े बड़े ऋषि मुनि भाग करके आ गए, सनकादिक लोग व्यास पीठ पर बैठे और भागवत जी की महिमा सुनाने लगे। भागवत जी की महिमा जिससे ज्ञान वैराग्य बढ़े। उन्होंने कहा कि हे महर्षियों, हे ऋषियों, हे नारद जी, देखो यह जो श्रीमद् भागवत महापुराण है, यह श्रीमद् भागवत महापुराण सदा सेवन करना चाहिए। जब तक जीना चाहिए तब तक इसको सुनना चाहिए। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, भागवत जी की कथा सदा सुनना चाहिए। अरे भाई पता नहीं कब मृत्यु आ जाए और शरीर छूट जाए, तो अगर सुनते सुनते शरीर छूट जाए, गुनते गुनते शरीर छूट जाए तो मुक्ति है, तो उद्धार हो जाएगा। इसलिए प्रयास करके अवश्य ही सुनना चाहिए। इसमें 18,000 श्लोक हैं और 12 स्कंध हैं। शुकदेव परीक्षित का संवाद है। मनुष्य संसार में ये सनकादिक सुना रहे हैं तभी तक भटकता है जब तक उसके कान में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा नहीं गई। वह घर, वो स्थान तीर्थ हो जाता है जहां श्रीमद् भागवत की पुस्तक और श्रीमद् भागवत की कथा होती है। अनेक अश्वमेध और राजसूय यज्ञ भागवत कथा के 16वें अंश की बराबरी नहीं कर सकते हैं। इसलिए यह जो श्रीमद् भागवत महापुराण है ये साक्षात गोविंद को देने वाला है। सनकादिक कह रहे हैं हे नारद, हे ऋषियों, जिसने अपने जीवन में मन एकाग्र करके
कभी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा नहीं सुनी, वो चांडाल है, वो गधा है, उसका जीवन व्यर्थ है, उसने अपनी मां को 9 महीने व्यर्थ में कष्ट दिया। जीवत छवो निगदितः सतुपाप कर्मा चांडालवत् च खरवत् बदते इन नीतम मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुख भाजा। उसने अपनी मां को व्यर्थ में श्रम दिया, क्योंकि मनुष्य शरीर पाया लेकिन उसके कान में भगवान की कथा नहीं गई। अरे भाई, आप व्यवहार में देखिए, आप देखते हैं एक कुत्ता है, घर के स्वामी की भक्ति करता है, 2 रोटी दीजिए, दिन भर आपकी हाजिरी लगाता है, इतनी सेवा लोग करते हैं कुत्ते की तेल साबुन लगा करके, और कहते हैं कि ये मेरा कुत्ता बड़ा फेथफुल है और बहुत हमको मानता है। अगर अपने स्वामी की कुत्ता सेवा कर रहा है तो कुत्ता मरेगा तो बैकुंठ नहीं जाएगा, जाना उसको पशुए होना, अगले जन्म में कोई थोड़ा और पशु सृष्ट हो जाएगा, उसका उद्धार नहीं होगा, क्योंकि भोग शरीर है। गधा अगर भार ढोता है गधा, तो भार ढोने से गधे का उद्धार नहीं हो जाएगा। गाय दूध देती है, उसके दूध से भगवान स्नान करते हैं, तो उस गाय को बैकुंठ नहीं मिल जाएगा, क्योंकि गाय का भोग शरीर है। गाय के दूध से स्नान कराने वाले मनुष्य का उद्धार हो जाएगा, लेकिन गऊ की पशु योनि है, उसको तो फिर किसी योनि में, श्रेष्ठ योनि में जाना, यही होता है। यानी जो भोग योनि है वो मनुष्य के अलावा जितनी योनियां हैं वो भोग योनि है, वहां भोग ही भोगना है। देवता भी जो जमा किए हैं वो पुण्य भोगते हैं, और मनुष्य के अतिरिक्त जो जमा किए हैं पशु आदि कीट पतंग सर्प बिच्छू, वो अपने पाप कर्म को भोगते हैं। मनुष्य ही शरीर ऐसा है जिससे कर्म का फल भोग भी भोगा जा सकता, भक्ति भी की जा सकती है। इसलिए देवता भी जब यज्ञ करते हैं तो मनुष्य होकर के करते हैं, इसलिए मानव शरीर दुर्लभ है। अगर गंगा स्नान करने से मुक्ति हो जाए तो मछली दिन रात गंगा में ही स्नान करती है, वहीं मर जाती है, तो उसको सबसे पहले मुक्ति मिलनी चाहिए, लेकिन मछली मुक्त नहीं होती। और हम आप 2 बार डुबकी लगाते हैं तो मुक्त हो जाते हैं, गंगे तब दर्शनान मुक्ति, क्योंकि हम जानते हैं कि ये गंगा जी हैं, ये भगवान के चरणों से निकली हैं, ये अनंत पाप धोती हैं। हमको आपको ज्ञान है, मछली को ज्ञान नहीं, उसको तो जानती है कि तालाब का पानी हो या सरोवर का या गंगा, उसे गंगा सरजू का ज्ञान नहीं है, और बिना ज्ञान के उद्धार नहीं हो सकता। पशु को कोई ज्ञान नहीं है, इतना ज्ञान है दाएं बाएं घूम जाओ, लेकिन गंगा सरजू कथा वार्ता उसे ज्ञान नहीं है। अगर गज को भगवान की स्तुति किया, भगवान ने ग्राह से गज को बचा लिया, तो वहां सुखदेव जी ने लिखा है कि प्राग जन्मनि अनुशिक्षितम, पूर्व जन्म में यह राजा इंद्रद्युम्न था, शाप से गज योनि में आया, इसलिए भूला नहीं है, तब उसका उद्धार हुआ, नहीं तो हाथी शरीर से उद्धार नहीं हो सकता। ये भगवान की कृपा से मानव शरीर मिलता है, और इस शरीर से भक्ति ज्ञान वैराग्य करके ही जीव कल्याण को प्राप्त करेगा, नहीं तो पशु पक्षी आदि शरीर में जाएगा। इसीलिए तुलसीदास कह रहे हैं कि नर समान नहीं कवनु देही, जीव चराचर जाचते ही। ये मानव शरीर सबसे दुर्लभ है। तो सनकादिक कह रहे हैं कि हे महर्षियों, दुर्लभ ही कथा लोके श्रीमद भागवतोद्भवा। वह मनुष्य अपने जीवन को व्यर्थ में गवा दिया जिसने कभी अपने कान में भगवान की कथा नहीं सुनी। वो गधा है, वो चांडाल है, ये सनकादिक कह रहे हैं। वो जीते जी मुर्दे के समान है, धिक्तम नरम पशु शमम भूमि भार रूपम। उस मनुष्य को धिक्कार है, वो पृथ्वी पर भार है जिसके कान में भगवान की कथा नहीं, जिसने कभी मन लगाकर ठाकुर के चरित को सुना नहीं, पढ़ा नहीं। श्री सनकादिक कह रहे हैं कि हे नारद, जिसने श्रीमद् भागवत की कथा सुन ली
भागवत गर्जना करता है उसके अनंत पाप धुल गए, वो भगवान के धाम का अधिकारी होता है। यह सुना रहे थे कि इसी बीच में जितने श्रोता थे सबकी भाव समाधि लग गई, सभी श्रोता अपने शरीर की सुध बुध भूल गए, हृदय से उनके भक्ति का समुद्र इतना उमड़ा कि जिह्वा से बार बार श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथे ति नामानि मुहुर बदंती। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथे ति नामानि मुहुर बदंती। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथे नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे नाथ नारायण वासुदेव, हे 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 नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव, नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव, ये विशुद्ध संस्कृत है। श्री कृष्ण माने हे श्री कृष्ण, हे गोविंद, हे नाथ, हे नारायण, हे मुरारे, आप हम पर कृपा करो। सारे लोगों की वाणी से यह कीर्तन होने लगा। भगवती भक्ति महारानी सबके हृदय में प्रकट हो गई, अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य के साथ वो स्वस्थ हो गए। उन्होंने नारद से कहा कि हे नारद जी, हे सनकादिको, आप बतलाओ मैं कहां रहूं। तो सनकादिकों ने कहा कि हे देवी भक्ति, तुम भक्तों के हृदय में रहो, क्योंकि भक्तों को भगवान का स्वरूप देने वाली तुम हो। अतः हे भगवती, तुम भागवतों के प्रेमियों के हृदय में रहो। भक्ते सुगोविंद स्वरूप कर्त्री प्रेमैक धर्त्री भवरोग हंत्री सात्वं चतिष्ठ स्वसुधैर्य संश्रया निरंतरं वैष्णव मानसानी। देवी भक्ति, तुम वैष्णवों के हृदय में रहो,
ये नहीं कहा कि सन्यासियों के हृदय में रहो, ये नहीं कहा कि योगियों के हृदय में रहो। बड़ी विचित्र बात है, कह रहे हैं कि सात्वम चतिष्ठस्व सात्वम चतिष्ठस्व सुधैर्य संश्रया निरंतरम वैष्णव मानसानी। हे भगवती, आप वैष्णवों के हृदय में रहो। और वैष्णव किसे कहते हैं? विष्णोः अपत्यम पुमान वैष्णवः। गांधी जी का प्रिय भजन आप जानते ही हैं, वैष्णव जनते तेने कहिए जे पीर पराई जानी रे। जो दूसरे की पीड़ा का अनुभव करे वो वैष्णव है। अगर गाली देने से किसी को दुख होता है और सुनने से दुख होता है तो हम किसी को गाली न दें। अगर मार खाने से पीड़ा होती है तो हम किसी को न मारें। अगर हमारी निंदा कोई करता है, हमें कष्ट होता है, तो हम दूसरे की निंदा न करें। यानी यह वैष्णवता है जो किसी के लिए अप्रिय कामना न की जाए, सबका जो मंगल करे वो वैष्णव है। श्री सीताराम चंद्र भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की। जो सारे लोगों के कष्ट को दूर करे, सबके दुख को समझे, वो वैष्णव है। इसलिए वैष्णव जनते तेने कहिए जे पीर पराई जानी रे। दूसरे की पीड़ा का अनुभव। और कह रहे हैं सनकादिक कि सात्वम चतिष्ठस्व सुधैर्य संश्रया निरंतरम वैष्णव मानसानी। श्री सीताराम चंद्र भगवान की। सीताराम 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 जय सीताराम। 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 हमारा आपका परम सौभाग्य है, और विशेष करके इस जहाज कुरुक्षेत्र का परम सौभाग्य है कि देश के कोने कोने से संत महापुरुष श्री महाराज जी के महद अनुग्रह से और हम पर, आप सब पर कृपा करने के लिए यहां पधार रहे हैं। आपको अब वृंदावन धाम जाने की आवश्यकता नहीं, एक तो भागवत की कथा और दूसरे श्रीधाम वृंदावन से, जो वहां की सबसे प्रसिद्ध संत गौ ब्राह्मण सेवीय पीठ है, जो जगतगुरु रामानंदाचार्य भगवान की परंपरा की सबसे विशिष्ट अग्रद्वाराचार्य की पीठ है, उस पीठ की परंपरा है और वहां का वैशिष्ट्य है साधु सेवा का। राम भजन और साधु सेवा हमारे आचार्य ने जो शिक्षा दी, तो सुदामा कुटी के श्री नाभा पीठ द्वाराचार्य श्री महाराज जी, श्री सुतीक्ष्ण दास जी महाराज महती कृपा करुणा करके हम सबके बीच में पधारे। मैं श्री महाराज जी के चरणों में श्रद्धा पूर्वक बारंबार वंदन करता हूं। हम सबके बीच में श्रीधाम वृंदावन से ही विद्वत वरेण्य
भागवत कथा के कुशल वक्ता, जिनका आश्रम जयपुर में भी है और किशोरी कृपा कुंज श्रीधाम वृंदावन में भी है, श्री सुदर्शन दास जी महाराज जी भी महती कृपा करुणा करके पधारे हैं। ये महापुरुषों का आगमन संत दरस जिम पातक टरही, ये आप सबके पुण्य का प्रभाव है, संतों के चरणों से जुड़ने का ये प्रभाव है। ये हमारे आप पर महद अनुग्रह है और श्री महाराज जी का तो अनुग्रह है ही। मैं समस्त महापुरुषों के श्री चरणों में वंदन करता हूं। भगवती भक्ति महारानी को सनकादिकों ने कहा कि हे देवी, तुम भक्तों के हृदय में रहो, निरंतरम वैष्णव मानसानी, वैष्णवों के हृदय में रहो। भक्ति ने कहा वहीं पर आपने हमें क्यों निवास बतलाया, और कहीं बतलाते? तो उन्होंने कहा जो वैष्णव हैं, वास्तव में उन वैष्णवों के हृदय में भक्ति तुमको इसलिए हम रहने के लिए बता रहे हैं क्योंकि उनकी वाणी से भगवान के नाम का कीर्तन होगा, उनके हाथों से भगवान की सेवा पूजा होगी, उनके चरण भगवान की प्रदक्षिणा करेंगे, यानी करौ हरेर मंदिर मार जनादिशो श्रुतिं चकारा च्युत सत कथोदय, जिसकी सारी इंद्रियां भगवान की सेवा में लगी हो वो वैष्णव है, और उन वैष्णवों के हृदय में तुम रहोगी तो तुम पर कलयुग का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और तुम अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य के साथ निवास करो। श्री सूत जी महाराज शौनक आदि महर्षियों से कहते हैं कि उस समय सबके हृदय में भगवान श्री हरि श्री कृष्ण प्रभु प्रकट हो गए, क्योंकि जहां भक्ति ज्ञान वैराग्य है वहीं भगवान है। बनमाली घनश्याम पीतवासा मनोहर कांची कलाप रुचिरो लसन मग हृदय में नटवर नागर श्याम सुंदर श्री कृष्ण की मंगलमयी छवि प्रकट हो गई, सभी भाव विभोर हो गए और आश्चर्य में भर गए। उसी समय जय जयकार की ध्वनि होने लगी, श्री भक्त वत्सल भगवान की, पुष्प की वर्षा होने लगी और जय ध्वनि शंख ध्वनि होने लगी। यह अलौकिक महिमा वहां उपस्थित सभी लोगों ने देखा, सबके हृदय में ऐसा भाव आया। नारद जी ने कहा महाराज इससे कौन कौन से लोग पवित्र हो जाते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के श्रवण से? तो सनकादिकों ने कहा कि जिसने जीवन भर पाप किया है, ये मानवाह पाप कृतस्तु सर्वदा, जिसने पग पग पर पाप किए हैं, जिसके जीवन में पाप ही प्रधान है, सदा कुमार्ग में रहा है, दुराचारी रहा, सदाचार जूठे काठे का विचार नहीं किया है, दूसरे की उन्नति देखकर जो जलता रहता है, ऐसे पापी को भी अगर श्रीमद् भागवत की कथा सुना दी जाए तो उसका उद्धार हो जाता है। जिसने जीवन भर मिथ्या झूठ बोला, लोभ से जो सदा ग्रस्त रहा और दूसरे की उन्नति के साथ साथ दूसरे की जो निंदा करने वाला है, हिंसक है, ऐसे पापी को भी सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनंदित, इस कलयुग में अगर उसे भी सप्ताह कथा सुना दी जाए तो उसका उद्धार हो जाता। हे नारद, मन वचन कर्म से होने वाले जितने पाप हैं, ये सारे पाप श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा के श्रवण से नष्ट हो जाते हैं। हम तुम्हें एक इतिहास सुनाते हैं। तुंगभद्रा नदी दक्षिण भारत में बहती है। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक नगर था, उसका नाम था उत्तम पत्तन। उस नगर में एक ब्राह्मण आत्मदेव रहता था। उस आत्मदेव ब्राह्मण की पत्नी का नाम धुंधुली था। वो घर का काम करने में बहुत कुशल थी,
लेकिन जितना काम करती थी उससे ज्यादा वो बोलती थी, इसलिए बहुत जलपिका, बहुत बोलती थी और घर का कार्य करने में बड़ी कुशल थी। श्रौत स्मार्त कर्म में, यज्ञ यागादिक कर्म में आत्मदेव ब्राह्मण बड़े कुशल थे, पढ़े लिखे विद्वान थे, लेकिन लंबा काल बीत गया, दोनों को कोई संतान नहीं हुई, घर में कोई पुत्र नहीं हुआ न कोई पुत्री हुई। दरवाजे पर एक आम का पेड़ लगाया, उसमें जब से लगा तब से कोई फल ही नहीं आया। एक गाय को उसने पाल रखा है, वो गाय भी कई वर्ष की हो गई, बच्चे ही नहीं दी। जिसका भाग्य फूटा होता है उसको सब तरह से ऐसे ही आते हैं देखने को। वो बेचारा विपत्तियों का मारा हुआ सामाजिक निंदा से परेशान होकर के घर छोड़कर वन में चला गया कि वन में रहेंगे, कोई शेर भालू इस शरीर को खा जाएगा। अब लोक निंदा सहन नहीं हो रही है, क्योंकि लिखा है अपुत्रस्य गतिर नास्ति, जिसको पुत्र नहीं है उसकी गति नहीं होती, उसको यज्ञ में भाग लेने का अधिकार नहीं है। पुत्रहीन को शुभ कर्म विशेष अगर 40 तक नहीं हुआ तो उसे उन कर्मों से वंचित कर दिया जाता, उसको अधिकार नहीं मिलता, क्योंकि बड़े पुण्य और धर्म के परिणाम स्वरूप पुत्र की प्राप्ति होती है। ध्यान रखिएगा, पुत्र की प्राप्ति होती है। पुत्र माने जो माता पिता और अपने पूर्वजों की सेवा और धर्म परायण हो वो पुत्र है, और अगर वो ऐसे है एक्सीडेंटल सृष्टि है तो वो पुत्र नहीं, हो तो लड़का हुआ है। वो माता पिता को भी दो डंडा लगाएगा, धंधुकारी है तो उसकी बात अलग है। पुत्र का ही अर्थ होता है कि पुम नाम के नरक से जो अपने पितरों का उद्धार करे। माता पिता परिवार सारे लोगों के प्रति जो अपने को सतत जिम्मेदार समझ करके कर्तव्य का निर्वहन करे वो पुत्र है। इसलिए अपुत्रस्य गतिर नास्ति। आत्मदेव वन में चले गए तो एक सन्यासी महात्मा मिल गए, वो पूछे तुम इस घने वन में कहां घूम रहे हो। अरे उसने कहा मुझको कोई संतान नहीं है, सामाजिक निंदा से लोगों के कटु वचनों से आहत होकर मैं वन में आया कि यहां पर कोई शेर भालू इस शरीर को खा जाए मर जाए, अब समाज में जीना कठिन है, लेकिन आप जैसे संत सन्यासी का दर्शन हुआ है, मुझे विश्वास है कि मुझ पर भगवान की कृपा है, अगर भगवान की कृपा नहीं होती तो संत का दर्शन नहीं होता। महात्मा ने कहा कि तुम चाहते क्या हो। कहा हमें पुत्रम देह बलादपि, आप हमें पुत्र दें। महात्मा ने कहा तुम्हारे ललाट पर लिखे हुए विधाता के विधान को मैंने बांच लिया और 7 जन्म तक तुमको पुत्र नहीं लिखा, इसलिए सबसे अच्छा है सब कुछ छोड़ करके वैराग्य मार्ग में आओ, भगवान की शरण में आकर भजन करो, तर जाओगे राम राम कहोगे तुम। पुत्र हुआ और अगर वो नालायक हो गया तो तुम भी नहीं तरोगे, पुत्र भी नहीं तरेगा, और अगर भगवान की शरण में आकर के राम राम करते हो तो तुम भी तर जाओगे, सबको तार दोगे, राम तुम्हारा नाम लेकर पार जाएंगे, स्वयं तरेंगे और दुनिया को तार जाएंगे। और अगर संसार में पुत्र से ही यह सोचते हो तो 7 जन्म तक तुमको संतान का सुख नहीं लिखा। उसने कहा कि आप समर्थ हैं, जो हमारे ललाट पर लिखे हुए विधाता के विधान को भी बांच सकता है, वो हमें पुत्र भी दे सकता है। जब हमारे ललाट पर लिखा हुआ 7 जन्म का लेख आप बांच लिए, आपने पढ़ लिया, तो आप में वह शक्ति है कि आप मुझे पुत्र दे सकते हैं, और दीजिए नहीं तभी आपके आगे सामने मैं सिर पटक कर मर जाऊंगा, आपको पाप लगेगा। अगर आपके सामने कोई प्राण दे रहा है और आप उसे बचाने का प्रयास नहीं करते तो उस पाप के आप भी भागी हैं, या तो वहां से दूर हो जाइए और नहीं तो उसको बचाने का प्रयास करना चाहिए। हिंसा का दर्शन करना और हिंसा करना केवल पाप का केवल थोड़ा अंश का अंतर है, नहीं तो दोष लगता। इसलिए
आप हम पर कृपा करें। महात्मा ने देखा कि यह प्राण त्याग देगा, एक फल निकाले उसे दे दिए। बड़े योग निधि महात्मा थे, योगी थे। कहा ले जाओ अपनी पत्नी को खिलाना, इससे तुम्हें पुत्र होगा। वो लाया लेकिन उसकी पत्नी ने खाया ही नहीं, उसने गाय को खिला दिया परीक्षा के लिए। धुंधुली की बहन ने कहा कि मेरे पेट में बच्चा है, हम तुम्हें दे देंगे। अब देखिए विधाता का विधान कैसा, महात्मा ने दिया, उस अभागिन ने खाया ही नहीं। कहा कि हम अगर फल खाएंगी तो मेरा पेट बड़ा हो जाएगा, घर का काम नहीं कर पाएंगी, ननद आएगी मेरा सारा धन लेकर चली जाएगी, चोर आएंगे तो मैं भाग नहीं पाऊंगी। अब दुष्ट थी वो, आजकल भी ऐसी बहुत सी स्त्रियां हैं। तो हमको पुत्र नहीं चाहिए, बंध्या वा विधवा नारी सुखिनी चेति मे मति, जो बांझ है स्त्री है अथवा जो विधवा है वही सुखी है। ये लालन पालन करना हमारे काम का नहीं है, लेकिन फल की परीक्षा लेनी चाहिए। तो उसने गाय को खिला दिया, उसकी बहन को पुत्र हुआ तो ला करके चुपके से उसे दे दिया। पति को बतलाया मेरा गर्भ नष्ट हो गया। आत्मदेव ब्राह्मण को बड़ी प्रसन्नता हुई, क्योंकि जीवन में कभी इसने 25 पैसे भी खर्च नहीं किए। दरिद्र ब्राह्मण नहीं है, धनवान ब्राह्मण है, लेकिन भिक्षा करता है। भिक्षुको वित्तवान लोके, सूत जी कह रहे हैं कि यह धनवान होने पर भी भिक्षा मांगता है, यानी धन खर्च नहीं करना चाहता। और जो इस प्रकार से एक एक करके धन इकट्ठा करते हैं, उनके पुत्र पोते इतने लालायक होते हैं कि सब डुबा देते हैं। इसलिए भिक्षुको, लेकिन वित्तवान लोके, धनवान होने पर भी ये इतना प्रसिद्ध धनवान है लेकिन फिर भी भिक्षा करता है और धन एकत्रित किया है। पुत्र का जन्म हुआ, बड़ा उत्सव मनाया इसने, पुत्रोत्सव मनाया, धन खर्च किया। आत्मदेव ब्राह्मण ने, इन्हें लगा कि मेरा पुत्र है, और वो तो उसकी पत्नी के बहन का पुत्र था। 3 महीने बाद उस गाय से भी एक बच्चा हुआ, लेकिन वो मनुष्य का बालक हुआ, कान गाय की तरह से थे। आत्मदेव की पत्नी ने अपने पुत्र का नाम धुंधुकारी रखा और गाय के पुत्र का नाम गोकर्ण रखा। महात्मा ने बतला दिया, फल दिया तो भी वो फल नहीं खाया। राजा भर्तृहरि को जब वैराग्य हुआ तो जानते हैं क्या हुआ? राजा भर्तृहरि अपनी रानी पिंगला में बड़े आसक्त थे, राज्य की चिंता ही नहीं करते। राज्य चलेगा लेकिन दिन रात अपनी पत्नी पिंगला के ही आसपास दिन भर सब काम छोड़ के घूमते, उनकी सुंदरता से इतने आकृष्ट थे। तो एक दिन राजा भर्तृहरि वन में शिकार खेलने गए उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के भाई, बाद में जो गोरखनाथ जी महाराज के शिष्य हो गए। शिकार खेलने गए तो वहां साक्षात सदगुरुदेव भगवान शिव ही, मानो गोरखनाथ जी महाराज के शिष्य ही, वहां कृपा करने के लिए उनको दर्शन दिए, मिल गए। राजा भर्तृहरि ने देखा, संत हैं, चरणों में प्रणाम किया। महात्मा ने कहा, राजा ने कहा, महाराज कृपा करें, मुझ जैसे राजा को जो वन में शिकार खेलता है, आप जैसे संत का दर्शन हो गया, मेरा बड़ा पुण्य है, आप आशीर्वाद दें। तो महात्मा ने झोले से निकालकर एक फल था राजा को दे दिया और कहा ले जाइए ये फल, जो तुम्हारा सबसे प्रिय हो उसे खिला देना। तो राजा लाए, अपनी रानी पिंगला को दे दिए कि सबसे प्रिय तो मेरी रानी है, उसी का दिन रात मैं चिंतन करता हूं, उसी के लिए सारा हम राजपाज राज्य देख रहे हैं, राजकाज चला रहे हैं। तो रानी पिंगला को उन्होंने वो फल दे दिया, कहा कि महात्मा का प्रसाद है और उन्होंने कहा है कि जो तुम्हारा सबसे प्रिय हो उसको देना, तो हे प्रिय तुम अर्धांगिनी हो मेरी, इसलिए तुम इसे खा लो। राजा देकर चले गए। रानी राजा से प्रेम नहीं करती थी, रानी घोड़ों की सेवा करने वाला जो शहीद था उससे प्रेम करती थी। तो रानी ने वो फल घोड़े की सेवा करने वाले शहीद को दे दिया और कहा कि ये महात्मा का दिया हुआ प्रसाद है, उन्होंने कहा कि जो सबसे प्रिय हो उसको देना चाहिए, तो तुम इसे खा लेना, मैं तुमको बहुत चाहती हूं। अब वो फल ले लिया, लेकिन वो रानी से प्रेम नहीं करता था, वो एक वेश्या से प्रेम करता था।
तो उसने जाकर के रात में वो फल वेश्या को दे दिया और कहा, देवी एक महात्मा का प्रसाद है और उन्होंने कहा है कि जो सबसे प्रिय हो उसको देना चाहिए, तो तुम मेरी सबसे प्रिया हो इसलिए तुम इस फल को खा लो। वो वेश्या राजा भर्तृहरि से प्रेम करती थी, उस सहीस को नहीं चाहती थी। तो वेश्या ने विचार किया कि हमको क्या करना है, राजा इतने बड़े राष्ट्र को चलाते हैं। तो वो राजा से मिली और कही, महाराज एक महात्मा का दिया हुआ फल है, अपने सबसे प्रिय को देना चाहिए, तो हम आपको बहुत चाहती हैं, आप ये फल ले लीजिए। राजा जब वो फल लिए तो उनका मत्था ठनका कि ये फल तो मैंने अपनी रानी को दिया था। फिर पता चल गया राजा को कि कहां ये फल कैसे मुझे आया है। भर्तृहरि जी संस्कृत के बड़े विलक्षण विद्वान थे, आज भी यमय की आचार्य की कक्षाओं में उनकी पुस्तक पढ़ाई जाती है। तो राजा भर्तृहरि की वाणी से यही श्लोक निकला और वही उनको वैराग्य हो गया। वो लिखते हैं कि याम चिंतयामि सततम मैसा विरक्ता, धीरे धीरे, याम चिंतयामि सततम मैसा विरक्ता साप्यन्यमिच्छति जनः सजनोऽन्यशक्तः अस्मत्कृते च परिशुष्यति काचिदन्या धिक्तां च तं च मदनं च इमां च मां च। राजा भर्तृहरि कह रहे हैं, याम चिंतयामि, मैं दिन रात जिस रानी का चिंतन करता हूं, साप्यन्यच्छति जनः, वो दूसरे किसी पुरुष को चाहती है, और वो पुरुष भी सजनोऽन्यशक्तः, वो किसी तीसरी को चाहता है, और हमारे लिए कोई और ही मरी जा रही है। तो उस कामदेव को धिक्कार है, रानी पिंगला को धिक्कार है, उस घोड़े की सेवा करने वाले सईस को धिक्कार है, इस वेश्या को धिक्कार है, मुझे भी धिक्कार है कि काम की इतनी प्रबलता। तो धिक्ताम च तम च मदनम च इमां च मां च, और यही कह करके राजा ने सब छोड़ दिया। आप देखे हैं भर्तृहरि की समाधि, गोरखनाथ जी महाराज की शरण में गए और परम योगी हुए। महात्मा ने फल दिया था पत्नी को खिलाने के लिए और फल खा करके उसकी गौ ने गोकर्ण जैसे पुत्र को जन्म दिया और उसकी बहन का पुत्र धुंधुकारी हुआ। दोनों धीरे धीरे बड़े हुए, धुंधुकारी महाखल हुआ, बड़ा भारी दुष्ट हुआ। एक दिन अपने पिता को बड़ी मार मारा, आत्मदेव को बहुत मारा और कहा, तुमने जितना धन रखा हमें दो। आत्मदेव रोते हुए गोकर्ण के पास आए और कहे कि तुम्हारे भाई ने यह दशा कर दी है। गोकर्ण जी कहे, पिताजी अभी भी समय है, यह मेरा शरीर है, ये मेरा पुत्र है, मेरी पत्नी है, मेरा मकान है, मेरी हड्डी है, ये सब में ममता छोड़ दो। देहे स्थिमान सरुधिरे भीमति त्यजत्वम जाया सुतादिशु सदा ममताम विमुंच पश्यानिशम जगदिदम क्षणभंग निष्ठम वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठ। हे पिताजी अभी भी सावधान हो जाओ, अभी तो थोड़ी मार पड़ी है, पुत्र अगर लायक हो जाए तो भगवान की कम कृपा है, पुत्र अगर नालायक हो तो भगवान की ज्यादा कृपा है। रोज चार लाठी चार डंडा मारेगा, अपने आप घर छोड़ के भाग जाओगे, साधु होगे, भजन करोगे, और अगर दिन रात पैर दबाएगा, सेवा करेगा, तो पुत्र में ही मन लगा रहेगा, मरोगे तो उसी के घर में पोती पोता होके जन्म लोगे। इसलिए नालायक पुत्र हो तो अच्छा है, अगर वैराग्य के मार्ग में भेजे, और लायक पुत्र हो तो माता पिता की सेवा करे और सबसे मुक्त करा के कहे, माला लीजिए, बैठिए, भजन करिए, तब तो लायक है, और नहीं तो रिटायर हो गए 60 बरस के, दरवाजे पर कहे, महाराज अब हम 60 के रिटायर हो गए, अब चल रहे हैं भजन करेंगे, और उसके बाद पोता पोती कौन खिलाएगा, क्योंकि अब बेटा बेटी बहू तो दोनों सब काम कर रहे हैं, तो पोता पोती का नाक पोछो, उनको खिलाओ, वैराग्य हो रहा ही नहीं। यावत वित्तोपार्जन सकता, भगवान शंकराचार्य कह रहे हैं, यावत वित्तोपार्जन सकता तावत निज परिवारो रक्त पश्चात धावति जर जर देहे वार्ता कोपि न पिक्षति गेहे भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। जब तक तुम धन कमा रहे हो वित्तोपार्जन सकता, तब तक घर वाले अपने हैं। पश्चात धावति जर जर देहे, बाद में शरीर जर्जर हो जाएगा। वार्ता पृक्षति कोपि न गेहे, कोई घर में पूछेगा कुशल समाचार नहीं।
हां अगर लायक पुत्र है तो वो तो कुल का भी उद्धार करेगा, माता पिता का तो करेगा ही। धुंधुकारी की मार से आत्मदेव को वैराग्य हो गया। गोकर्ण जी ने उपदेश किया, वन में चले गए, दसम स्कंध भागवत का पाठ करके शरीर छोड़कर भगवत धाम चले गए। ये चमत्कार है कि जिसने इतना लोभ पकड़ा था जिसको, वो भागवत जी के दसम स्कंध के पाठ से मुक्त हो गया। ये लोभ का मूर्तिमान स्वरूप आत्मदेव जीव है। तुलसीदास जी ने लिखा अपने रामायण में, कहीं कुछ मांगे नहीं और सबसे अंत में मांगे तो बड़ी विचित्र मांग मांगे। गोस्वामी तुलसीदास रामायण में कहते हैं, हे प्रभु, काम ही नारी प्यारी जिमी, लोभी प्रिय जिमी दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। जैसे कामी को स्त्री और लोभी को धन प्रिय लगता है, वैसे आप हमें प्रिय लगो। लोगों ने पूछा कि आपने दो उदाहरण क्यों दिया, एक ही कहते? तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि कामी को स्त्री एक सीमा तक प्रिय लगेगा, जब तक इंद्रियां शरीर की शक्ति है, और जब शरीर जर्जर हो जाएगा तो स्त्री प्रिय नहीं है। लेकिन लोभी को धन तो मरते समय भी वेंटिलेटर से हटाया तो पहले देखता है, चाबी हमारे बच्चों ने छोड़ी कि उसको खोल ले गए। तो ये लोभ मरते समय तक नहीं छूटता, इतना प्रबल होता। तो गोस्वामी जी ने दूसरा उदाहरण इसलिए बाद में दिया कि लोभी को जैसे धन प्रिय लगता है, मर जाने पर भी वो धन का त्याग नहीं करता है। लेकिन आत्मदेव को उसी महात्मा ने, मानो संत लोग कहते हैं, फल दे करके उसके पुत्र हो करके आए, और जब धुंधुकारी की मार पड़ी गोकर्ण रूप से उपदेश किया तो तुरंत वैराग्य हो गया, और वन में जाकर उन्हीं के उपदेश से भागवत जी के दसम स्कंध का पाठ करके, लोभ पाप कर मूल है, सारे पापों का मूल लोभ है। यही बस जन अनुचित करहि चरहि विश्व प्रतिकूल। गीता में भी भगवान कह रहे हैं कि कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विद्येन मेहि वैरिणम। लोभ इन दोनों का बाप है, काम का भी क्रोध का भी, और उस लोभ के कारण पतन हो जाता है। लेकिन अगर भागवत जी की शरण में आया तो आत्मदेव जैसे लोभी को वैराग्य हुआ, उसका उद्धार हो गया। एक दिन धुंधुकारी ने अपनी मां को बड़ी मार मारा, वो कुएं में गिर के मर गई, लेकिन ये नहीं बताई कि कहां धन रखे हैं। धुंधुकारी स्वतंत्र हो गया, आत्मदेव घर छोड़, गोकर्ण जी घर छोड़कर वन में चले गए तीर्थ यात्रा करने की। अब माता पिता है नहीं, घर में रहकर क्या करना। धुंधुकारी वेश्याओं को घर में ला के रख लिया, वेश्याओं ने उनके दुष्कर्म से उसके एक दिन मार करके घर में ही उसे गाड़ दिया, और एक एक करके चली गई। धुंधुकारी मरकर बड़ा भयंकर प्रेत हुआ। गोकर्ण जी अपने घर जब आए तीर्थ यात्रा से तो उनको प्रेत दिखने लगा, बोल नहीं पा रहा था, गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित किया तो बोला, कहा अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधुकारी इति नामतः, मैं आपका भाई धुंधुकारी हूं, मर करके प्रेत हुआ। गोकर्ण जी ने कहा, मैंने तो गया में पिंड श्राद्ध तर्पण किया। अरे उसने कहा, गया से मेरा उद्धार होने वाला नहीं है, सामान्य बुखार हो तो पैरासीटामोल दे दीजिए ठीक हो जाएगा, अब वो कैंसर से भी प्रबल हो गया है तो सामान्य गोली काम नहीं करेगी, अब गया से काम नहीं चलेगा। कहा तब तुम्हारी मुक्ति कैसे होगी? कहा आप विचार करें। अब गोकर्ण जी भगवान सूर्य के उपासक थे, सूर्य नारायण ने बतलाया कि श्रीमद भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम, श्रीमद भागवत से मुक्ति होगी। आपको शुरू में ही मैंने बतलाया कि श्री रामचरित जीव के चरित को, जीवन को सुधार करके उसे मनुष्यता प्रदान करता है, और वो मानव हो करके बड़ी सहजता से भगवान को प्राप्त कर लेता। लेकिन अगर जीवन में अनेक दोष बने, पाप बने, धुंधुकारी कोटि में आ रहा है, तो उसके लिए डायरेक्ट जो है ऑपरेशन श्रीमद् भागवत महापुराण को सुना करके उसका उद्धार किया जा सकता। गोकर्ण जी आए अपने घर पर, भगवान सूर्य के उपदेशानुसार श्रीमद् भागवत का आयोजन किए, और उन्होंने धुंधुकारी के लिए संकल्प किया। हम लोग कहते हैं कि प्रेत के उद्धार के लिए
और संकल्प जब करते हैं तो कहते हैं पुत्र पौत्र धन धान्य सबकी वृद्धि हो, हम भागवत सुन रहे हैं। अरे भाई, जब तुम प्रेत के उद्धार के लिए सुन रहे हो तो यही कहो कि मम पितुः प्रेत योनि प्राप्तः प्राप्तस्य मम पितुः कल्याणार्थम भागवत कथा श्रवणम अहम करिष्ये। मेरे पिता अथवा कोई प्रेत बने हैं उनके लिए मैं ये कथा सुन रहा हूं, तब तो उनका उद्धार होगा। आ तुम कहते हो नहीं, हमको पुत्र मिले, धन मिले, संपत्ति मिले और कथा भी सुन ले तो प्रेत का उद्धार ही नहीं होगा, क्योंकि जो संकल्प करोगे वही फल आएगा। आपने पत्र बहुत अच्छा लिखा लेकिन अगर पता गलत लिख दिया तो वो पोस्ट में डालने पर भी कहां जाएगा, कोई पता नहीं। तो संकल्प प्रधान है। गोकर्ण जी महाराज ने धुंधुकारी के लिए संकल्प किया, वो प्रेत आया, लेकिन जहां सारे 33 कोटि देवताओं का आह्वान है, वो प्रेत किसी व्यक्ति पर नहीं आकर के एक पड़ा हुआ बांस था उसके छिद्र में खाली जगह में जाकर बैठ गया। पहले दिन कथा के विश्राम पर वो गांठ फट गई तो दूसरे छिद्र में चला गया, दूसरे दिन कथा के विश्राम के बाद दूसरी गांठ फट गई तो तीसरे छिद्र में, 7 दिन की कथा हुई और बांस की ग्रंथी में जो छिद्र होता है वायु रूप से उसमें रह करके कथा सुन करके और वो दिव्य रूप धारण करके प्रकट हो गया। पीतांबर धर, पीतांबर से अलंकृत है, दिव्य उसका रूप है, गले में बनमाला है। गोकर्ण जी के चरणों में प्रणाम किया और कहा कि आज मैं आपकी कृपा से इस भवसागर से मुक्त हो रहा। भगवान के पार्षद आए, धुंधुकारी को दिव्य विमान में बैठा कर ले जाने लगे तो गोकर्ण जी ने कहा कि प्रभु, इतने लोगों ने कथा सुना और विमान केवल धुंधुकारी के लिए आया। भगवान के पार्षदों ने कहा कि एक तो आपने संकल्प धुंधुकारी के लिए किया लेकिन उद्धार तो सबका हो जाता, लेकिन श्रवणस्य विभेदेना फल भेदो त्र संस्थित, सुना सबने लेकिन मनन निधि ध्यासन किसी ने नहीं किया। जितने लोग सुने वो केवल 100 रुपए की मूर्ति की तरह से सुने और इस प्रेत ने 1 लाख की मूर्ति की तरह से सुना। सुना फिर विचार किया कि मैंने जीवन में इतने पाप किए हैं, मेरी गति होगी कि नहीं, राम 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 मेरा कल्याण हो। फिर निधि ध्यासन किया, उसमें चित्त वृत्ति को लगाया, तदाकार वृत्ति बन गई और बन गई तो उसका उद्धार हो गया, उसको हम भगवत धाम ले जा रहे हैं। गोकर्ण जी ने दोबारा अपने ग्राम के लोगों को सावधान करके श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाई और भगवान गोकर्ण जी को आकर हृदय से लगाए और सारे ग्रामवासियों को लेकर के भगवान अपने धाम गए। सूत जी कह रहे हैं कि अयोध्या वासिनः पूर्वम यथा रामेण संगता, जिस प्रकार से भगवान श्री राम सारे अयोध्या के प्राणियों को लेकर अपने दिव्य वैकुंठस्थ साकेत को गए, उसी तरह से सारे ग्राम के लोगों को लेकर भगवान अपने दिव्य वैकुंठ धाम को गए। अयोध्या का एक भी प्राणी शेष नहीं रहा। हनुमान जी को तो भगवान राजा बनाकर कहे कि अब आप देखभाल करो और सारे अयोध्या के लोगों को हम अपने साकेत धाम ले जा रहे हैं। राम जी से लोगों ने कहा कि सबको ले जाने की क्या जरूरत है। भगवान ने कहा इसलिए कि सारे अयोध्या के लोग 14 वर्ष तक एक ही कामना करते थे और सभी यही चाहते थे। तुलसीदास लिख रहे हैं कि रमा रमन पद बंदी बहोरी, बिनवही अंजुलि अंचल जोरी, राजा राम जान की रानी, आनंद अवध अवधि रज धानी। सभी यही कामना करते हैं राम जी अयोध्या के राज सिंहासन पर रहे, श्री सीताराम जी नित्य अयोध्या के राज सिंहासन पर विराजमान रहे और अक्षत राम राजा अवध मरी मांग सबको। राम जी अयोध्या के राज सिंहासन पर रहे, उनको देखते हुए हम सब मर जाएं लेकिन भगवान का वियोग अब न देखने को मिले। तो राम जी ने सोचा जब मेरे अयोध्या का प्राणी ऐसा सोचता है तो मेरा वियोग नहीं, हम जाएंगे तो सबको लेके जाएंगे, वियोग ना हो। तो सबको भगवान अपने दिव्य वैकुंठ के मध्य में जो साकेत है वहां लेकर गए। उस तरह से गोकर्ण जी ने सबको, गोकर्ण जी की कृपा से भगवत धाम की प्राप्ति हुई। सनकादिकों ने कहा कि हे महर्षियों, हे नारद जी, ऐसा श्रीमद् भागवत महापुराण है, इसकी महिमा विलक्षण है, इसके श्रवण से ही मुक्ति है।
धर्मार्थ काम मोक्षाणाम साधनम नात्र संशय स्यान न संशय। धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों को देने वाला यह श्रीमद् भागवत महापुराण है। इसी बीच में सुखदेव जी आए, उन्होंने भावमयी भागवत की विशेषता बतलाई और भगवान फिर प्रकट हुए। भगवान उद्धव जी के, ध्रुव जी, प्रहलाद जी के साथ आए, दिव्य भगवान नाम संकीर्तन हुआ। सभी ने, ऋषियों ने भगवान से यही प्रार्थना की। भगवान ने कहा आप लोग वर मांगे, तो सबने यही कामना की कि जहां जहां भागवत की कथा हो वहां वहां हे प्रभु आप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अवश्य ही विद्यमान हो। तो जहां भी कहीं भागवत जी की कथा होती है भगवान गुप्त या प्रकट हो करके अवश्य ही विराजते हैं। जैसे तुलसीदास जी महाराज को प्रेत ने बतलाया कि जहां श्री राम कथा होती है वहां हनुमान जी जरूर रहते हैं, और आए तो काशी में उस समय नित्य श्री राम कथा चलती थी और हनुमान जी का दर्शन हुआ गोस्वामी तुलसीदास जी को। तो जहां, क्योंकि यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। जहां जहां श्री राम कथा होती, महर्षि वाल्मीकि ने लिखा यावद राम कथा, जहां जब तक यह यावद रामायणी कथा लोकेशु प्रचरिष्यति, जब तक यह रामायण की कथा नदियां पर्वत पृथ्वी पर है तब तक तुम मेरे दिव्य धाम में निवास करोगे। वाल्मीकि तुम रामायण लिख रहे हो। तो हनुमान जी जहां जहां श्री राम कथा होती है तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि, हाथ जोड़ करके, सिर पर लगा करके, नेत्र से अश्रु बहाते हुए, भाव में निमग्न हो करके हनुमान जी श्री राम कथा को सुनते हैं। और जब कहीं नहीं कथा सुनने को मिलती तो हिमालय पर वेश्याओं अप्सराओं के मुख से वो श्री राम कथा सुनते हैं, क्योंकि रामचरित सुनिबे को रसिया, श्री रामचरित ही हनुमान जी के जीवन का सर्वस्व है। तो यहां कहने का तात्पर्य यह है कि सब को लेकर के भगवान जैसे गए तो सनकादिक भगवान प्रकट हुए, नाम संकीर्तन हुआ। भगवान ने कहा जहां जहां श्रीमद् भागवत की कथा होगी मैं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से निश्चित ही विद्यमान रहूंगा। इस प्रकार से सनकादिकों ने नारद जी को भागवत जी की विशेषता बतलाई। सूत जी ने शौनक आदि महर्षियों को कहा कि हे महर्षियों, कलयुग के समस्त दोषों का शमन करने वाला यह श्रीमद् भागवत महापुराण है, जो कालव्याल मुख ग्रास त्राश निर्णाश हेतवे। आपने प्रश्न किया था कि घोर कलिकाल रूपी जो सर्प है, काल रूपी सर्प है, उससे बचने का उपाय क्या है, वह है श्रीमद् भागवत महापुराण। और इसमें परीक्षित जी प्रमाण है कि सुन करके ही परीक्षित जी मुक्त हो गए। श्री भक्त वत्सल भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। इस प्रकार से श्री सूत जी ने शौनक आदि महर्षियों को भागवत जी के महात्म की कथा सुनाई। भागवत जी की कथा का मंगलाचरण करके हम कथा को विश्राम देते हैं। मंगलाचरण करके कथा को विश्राम, फिर उसके बाद श्रीधाम वृंदावन से पधारे हुए नाभाद्वाराचार्य पीठाधीश्वर परम वंदनीय अनंत श्री विभूषित श्री सुतीक्ष्णदास जी महाराज, श्री विद्वत बरेण्य सुदर्शन दास जी महाराज का आप मंगलाशासन आशीर्वचन श्रवण करेंगे। केवल मंगलाशासन करके जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत सूरयः तेजो वारिवृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मः प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किंवा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्।
श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रारंभ में भगवान वेदव्यास ने सत्य ब्रह्म का मंगला शासन किया। भगवान वेदव्यास कहते हैं कि सत्यम परम धीमहि, उस परम सत्य परमात्मा का मैं ध्यान करता हूं, उनके चरणों में वंदन करता हूं। सत्य से ही संसार की उत्पत्ति, पालन और संहार होता है। सत्य से ही सारे संसार का संबंध है, सत्य से इतर कुछ नहीं है। साथ ही सत्य से ही जीव के सारे संकल्प की पूर्ति होती है और सत्य से ही व्यक्ति त्रिकालदर्शी होता है और सत्य ही स्वयं प्रकाशित है। इस सत्य से ही इसको समझने में ब्रह्मा इत्यादि बड़े बड़े विद्वान सत्य को समझने में ही मोहित हो जाते हैं। यह सत्य ही ऐसा तत्व है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश पांचों तत्वों में सत्य विद्यमान है और उसी की कृपा से यह सब मिले हुए हैं। सत्य से जो तीनों सृष्टि हैं, तीन प्रकार की, वो सत्य हैं, क्योंकि वास्तव में सत्य के ही सब आश्रित हैं। सत्य के ही प्रकाश से सारे पाखंड छल नष्ट हो जाते हैं। ऐसे परम सत्य परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। अब इसकी व्याख्या कल चलेगी। महामुनि भगवान वेदव्यास ने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की है। इसमें फल की कामना से रहित विशुद्ध धर्म का वर्णन है। धर्म दो प्रकार का है, एक सकाम धर्म, एक निष्काम धर्म। विद्या दो प्रकार की है, एक जो है ऐसी विद्या जो संसार में बांधती है और एक ऐसी विद्या जो संसार से छुटकारा दिलाती है। विद्या अपर अविद्या दो। तो उसी तरह से धर्म भी दो प्रकार का, एक धर्म है जो संसार से मुक्त करता है, भवबंधन से छुटकारा दिलाता है, फल की कामना से रहित है। तो श्रीमद् भागवत महापुराण में फल की कामना से रहित विशुद्ध धर्म का वर्णन है और इसमें निर्मत्सर महापुरुषों का यह परम धन है। जो परम वीतराग तपस्वी महापुरुष हैं, यह श्रीमद् भागवत उनका सर्वस्व है। इसमें ब्रह्म तत्व का ही विवेचन किया गया है और यह श्रीमद् भागवत सारे पाप तापों का नाश करने वाला है। भगवान वेदव्यास ने इसे प्रकट किया है। इसके श्रवण करने से ही सुश्रुषु के हृदय में जिज्ञासा करते ही भगवान आकर विद्यमान हो जाते हैं। ऐसे श्रीमद् भागवत महापुराण को और सत्य ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। श्री भक्त वत्सल भगवान की। हम सबका परम सौभाग्य है, श्री महाराज जी मंचासीन हैं, इसलिए मैं श्री धाम वृंदावन से पधारे हुए आदरणीय विद्वत वरेण्य श्री सुदर्शन दास जी महाराज से मंगला शासन के लिए आग्रह करूंगा कि आप सबको महाराज जी का आशीर्वचन प्राप्त हो और महाराज जी का मंगला शासन, उसके बाद उसके अनंतर श्री नाभा द्वाराचार्य पीठाध्यक्ष पीठा नाभा देवाचार्य पीठाध्यक्ष श्री महाराज जी जो जगत गुरु पद प्रतिष्ठित हैं, उनके मुखारविंद से आप महाराज जी का आशीर्वचन मंगला शासन श्रवण करेंगे। माइक की व्यवस्था। रामम रामानुजम सीताम भरतम भरतानुजम सुग्रीवम वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। संकट मोचन कृपा निधान संकट मोचन कृपा निधान। श्रीराम जय जय राम जय
राम जय जय राम सिंह जी महाराज की जय। अनंत श्री विभूषित व्यास पीठासीन श्री धाम श्री अवश्य पधारे हुए हमारे परम पूज्य पाद विद्वद्वरण्य डॉक्टर परम पूज्य पाद श्री महाराज श्री राम कथा मंडप वाले श्री महाराज जी, मंचस्थ विराजमान परम पूज्य पाद श्री पंचमुखी दरबार भीलवाड़ा वाले श्री महाराज श्री श्री धाम वृंदावन से पधारे हमारे साधु सेवा के अप्रमित उस दिव्य पथ के पथिक परम पूज्य श्री नाभाद्वाराचार्य जी महाराज। आज हम सबका परम सौभाग्य है कि अनंत श्री विभूषित वशिष्ठ श्री जयासरण जी महाराज बाबा श्री मस्तराम बाबा के इस दिव्य साकेत महोत्सव के उपलक्ष्य में इस दिव्य महा महोत्सव के दिव्यानंद की प्राप्ति के हेतु के लिए हम सब लोग उपस्थित हैं। श्रीमद् भाग के माध्यम से परम पूज्यपाद श्री महाराज श्री आप सबके अंतर मन में भगवत भक्ति की दिव्य धारा को प्रवाहित कर रहे हैं। वास्तव में हमारे जीवन का सौंदर्य ये है कि संत महोत्सवों के माध्यम से इन जीवों को तृप्त करते हैं। महत कृपयै वै, महत कृपयै वै, बिना महापुरुषों की कृपा से कदापि हमारे अंतर मन में भगवत भक्ति का उद्भव कभी हो ही नहीं सकता। भगवान नृसिंह का यह अत्यंत कृपापूर्ण चरित्र आप सभी लोग सुनेंगे कि कैसे वात्सल्य की प्रतिमूर्ति बनकर के भगवान श्री नृसिंह ने अपने भक्त श्री प्रहलाद जी की रक्षा करी। श्री ठाकुर के अंतर मन में अपने भक्त की रक्षार्थ कितनी आतुरता बनती है। भगवान अपने सारे सिद्धांतों को दूर रख करके भक्त कृतित्व भक्त महत्व को प्रकट करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। सूर अनेक फिरी कृण मांगत पेपद सूर सुस्वाद कहां, राम कथा कितनों ने लिखी तुलसी सी मरजाद कहां, पुनिताल मजीरा बजाती फिरे मीरा मतवारी सी चाह कहां, नृसिंह बसे प्रतिखंबन में काढ़न को प्रहलाद कहां। भगवान अपने वात्सल्य गुण को प्रकट करने के लिए आतुर होते हैं, लेकिन भक्त के अंतर मन में वैसी भावना वैसा सिद्धांत वैसी करुणा और दैन्यता होनी चाहिए। आप देखिए जिस भक्ति के महत्व को हमारे आचार्य पाद वर्णन करते हैं, और भक्त का महत्व भी भक्ति से ही है। भगवान कहते हैं भक्त की रक्षार्थ में सब कुछ करने के लिए तत्पर होता हूं, अहम भक्त पराधीनो, मैं भक्तन को उदास भगत मेरे मुकुट मणि। उन भक्तों के लिए भगवान कितनी आतुरता का दर्शन कराते हैं। जितने अवतार हैं उन अवतारों के लीला क्रम का अगर हम लोग चिंतन करें तो भगवान ने पर्याप्त समय देकर के अपने लीला अवतारों को बहुत उत्तरोत्तर वृद्धि करते हुए दर्शन करवाया है। लेकिन सारे अवतारों में से सबसे अवतार जो सुंदर अवतार है श्री नृसिंह भगवान का है। जिस अवतार के माध्यम से भगवान ने केवल एक भक्त श्री प्रहलाद की रक्षा के लिए अपने आप को प्रकट करवा दिया, और इतनी आतुरता, ये आतुरता क्यों बनी? क्योंकि भक्त के अंतर मन की जो दीनता है दीन्यता है और भगवान की श्री चरणारविंदों में जो उनकी विश्वास की अनुपम व्याख्या है वो उनको प्रकट करवाती है। हमारे संत कहते हैं कि शरणागति का सर्वोत्कृष्ट भाव श्री प्रहलाद चरित्र में प्रकट होता है। शरणागति के जो श्रद्धा वेद हैं, अनुकूलस्य संकल्प है प्रातिकूलस्य वर्जनम रक्षिष्यति इति विश्वासः गोप्तृत्व वर्णनम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्यम षड्विधा शरणागति। तो भगवान हमारी हर परिस्थिति में येन केन प्रकारेण रक्षिष्यति, हमारी रक्षा अवश्य करेंगे। आप देखिए हिरण्यकश्यपु जैसा दुर्दांत शासक शायद ही कोई विश्व में इस धराधाम पर प्रकट हुआ हो, जिनके भय से बड़े बड़े देवता दिग्पाल सारे करवद्ध करांजलिवद्ध होकर के जिनके समक्ष खड़े रहते हों,
लेकिन वो हिरण्यकश्यपु जब श्री प्रहलाद की गर्दन के ऊपर कृपाण लगा देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा रक्षक कहाँ है, राम कहाँ, तो प्रहलाद जी ने यही कहा सब ठाम में है। यद्यपि भगवान विभु हैं, सब जगह व्याप्त हैं, लेकिन श्री प्रहलाद जी की कहने मात्र से श्री ठाकुर जी सर्वत्र व्याप्त हो गए कि न जाने कहां से प्रहलाद कह दें और वहीं से मेरे को प्रकट होना पड़े। इसलिए हमारे जीवन में भक्ति का अत्यंत महत्व है और वह भक्ति कहां से प्रकट हो, बिना महापुरुषों की चरण धूलि को अभिषिक्त किए उनके श्री चरणारविंदों में बैठ करके जब तक उन पाथे के पथिक हम नहीं बनेंगे, उनकी वचनामृत, उनके सत्संग, उनकी वाणी, उनके सूत्रों का जब तक हम अनुसरण नहीं करेंगे, हमारे जीवन की दिशा बदल नहीं सकती। तो हम सबका परम सौभाग्य है कि इस महनीय महोत्सव के माध्यम से, आज तो ये प्रारंभ का ही दिवस है, आप संपूर्ण भारतवर्ष के संपूर्ण तीर्थों से पधारने वाले उन महापुरुषों के श्री चरणारविंदों के दर्शन के साथ साथ उनकी वाणी लाभ भी आप सबको सुनने की मिलेगी। इसलिए आप सबका परम सौभाग्य है कि इस संपूर्ण उत्सव के सानिध्य में परम पूज्य पाद श्री भीलवाड़ा में श्री महाराज जी की संरक्षण में, इनके संयोजन में इस उत्सव का समागमन हो रहा है। ये हम सबका परम सौभाग्य है। वैष्णवों की कृपा, महापुरुषों की कृपा ही हमारी एकमात्र निधि है और वह निधि हम सबकी बनी रहे। इसी आशा अपेक्षा के साथ में अपनी वाणी को व्यासपीठ को समर्पण। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय, श्री नृसिंह भगवान की जय। श्रीमद् जगद्गुरु नाभाद्वाराचार्य पीठाधीश्वर श्री महाराज जी। श्री सीताराम समारंभम रामानंदार मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासांबरीश सुख सवनक भीष्म दालभ्यान रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवता नमामि। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुवेक इनके पद वंदन किए नासे विघ्न अनेक। सब संतन निर्णय कियो मति श्रुति पुराण इतिहास भजिबे को दोई सुगर के हरि दास। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आचार्य चरण की जय। दोबारा भगवत नाम संकीर्तन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। श्री कृष्ण गोविंद हे नाथ नारा एड़े वासुदेवा। श्री कृष्ण वासुदेवा हे नाथ नारा एड़े वासुदेवा। हे नाथ नारा एड़े वासुदेवा। श्री कृष्ण गो गोविंद हरे मुरारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारा एड़े वासुदेवा। हे नाथ नारा Yeah.
व्यासपीठ पर विराजमान श्री धाम अवध के परम संत विद्वत वरेण्य आनंद विभूषित श्री रामानंदा जी महाराज के पावन चरण में बार नमन वंदन करता हूँ। इस दिव्याति दिव्य आश्रम के संस्थापक परम संत श्री मस्त रामदास जी महाराज जी एवं पंचमुखी दरबार के आनंद विभूषित श्री लक्ष्मण दास जी महाराज के पावन पाद पद्मों में बार बार नमन वंदन। उनके ही कृपा पात्र श्री संत रामदास जी महाराज एवं ओमकारेश्वर के श्री श्याम सुंदर दास जी महाराज के परम कुशल संचालन में यह दिव्याति दिव्य महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। जीवन का परम सौभाग्य का उदय होता है तो यह शुभ घड़ी शुभ अवसर जीवन में प्राप्त होता है। दुर्लभ वस्तु बड़े भाग से ही मिलती है। इस संत समागम दिव्य तीर्थ क्षेत्र में हम कहाँ बैठे हैं, जहाजपुर, संकेत देता है राम नाम रूपी जहाज में बैठ करके, इस सत्संग रूपी जहाज में बैठ करके, इस संत सेवा रूपी जहाज में बैठ करके, अध्यात्म के जहाज में बैठ करके, गुरु चरणों के आशीर्वाद के जहाज में बैठ करके हम भगवान के चरणों तक अवश्य पहुंच सकते हैं। शर्त एक ही है, गुरु चरणों का स्मरण करते हुए जहाज में बैठे और भगवान के चरणों में उपस्थित हो जाए। नाहम बसामे वैकुंठे योगी नाम हृदय न च मद भक्त यत्र गायत्री तत्र स्थामि नारद। भगवान सर्वत्र होते हुए भी जहाँ सत्संग होता है वहां निश्चित ही ठाकुर जी रहते हैं। तो हम अवश्य कह सकते हैं इस भक्तों के समूह में ठाकुर जी अवश्य विद्यमान हैं। बस देखने की तीव्र उत्कंठा होनी चाहिए। जितनी उत्कंठा भक्तों के मन में होती है उतनी ही उत्कंठा श्री ठाकुर जी के हृदय में भी होती है। अभी अभी पूज्य श्री ब्यास जी महाराज माया के प्रभाव का वर्णन कर रहे थे। माया आसक्ति, उसका नाम है, बस आने के दरवाजा तो खुला रहता है लेकिन अंदर आ गया तो दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। आ सकती है लेकिन जा नहीं सकती, उसी के नाम आ सकती है। तो हम आसक्ति नीचे ही प्रत्येक मनुष्य के भीतर है लेकिन उस आसक्ति को हम भगवान के चरणों तक कैसे पहुंचाएं? बिना आसक्ति के भगवान कहाँ मिलते हैं? प्रेम होना चाहिए, अनुराग होना चाहिए। अगर हम प्रेम हृदय में है ही नहीं तो हम परमात्मा से प्रेम कैसे करेंगे?
यह जो संसार है प्रेम की फुलवारी है, प्रेम की फुलवारी से फूल उतारिए और ठाकुर के चरणों में अर्पित कर दीजिए। समझ लीजिए संसार में आना सफल हो जाता। हम सभी परम भाग्यशाली हैं इस पुनीत स्थल में पधार करके अपने को धन्यातीत धन्य महसूस करें। अपने आचार्य चरण जगत गुरु यति सम्राट अनंत विभूषित रामानंद रघुनाथ ज्यों द्वितीय सेतु जगत तरण कियो। हम सभी कबीरदास के नाम जानते हैं, श्री रविदास के नाम जानते हैं, पीपा जी के नाम जानते हैं, उनके शिष्यों का नाम जानते हैं, लेकिन गुरुदेव का नाम अगर हम स्मरण करते हैं तो बहुत कम मात्रा में जानते कि रामानंदाचार भगवान कौन थे। जगदगुरु रामानंदाचार भगवान कौन थे, आम जनमानस में उनका नाम है ही नहीं। ये दुर्भाग्य है। सूर्य को दिखाने की आवश्यकता नहीं होती है, सूर्य अपने आप दिखता है। वैसे ही श्री कबीरदास जी महाराज, कबीर कान राखी नहीं वरड़ाश्रम खट दर्शनी, जो दिव्यता चमत्कार अभी अभी पूज्य श्री व्यास जी महाराज वर्णन कर रहे थे श्री भर्तृहरि जी का वैराग्य, श्री गोरखनाथ जी महाराज के शिष्य परम शिष्य थे। आज गोरखपीठ पे विराजमान हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री योगी नाथ जी, आदित्य योगी नाथ जी, उस गौरवशाली इतिहास को, सनातन धर्म के परंपरा को अक्षुण बनाए हुए हैं। उस श्री अद्भुत उनका सिद्धाई, लेकिन जितने सिद्ध गोरखनाथ जी थे उससे कहीं ज्यादा सिद्ध श्री कबीरदास जी महाराज थे। जो शिष्य की कीर्ति बढ़ती है तो उसमें मूल में गुरु कृपा ही होती है, गुरु कृपा ही केवलम। अगर आज इस स्थान के दिव्यता में चार चांद लगा है तो मूल रूप से गुरुजनों के त्याग तपस्या ही है। अगर पुत्र का, पिता का दर्शन करना, स्वभाव का दर्शन करना है तो आप पुत्र में दर्शन कर सकते हैं। ऐसे ही सदगुरु का त्याग वैराग्य का दर्शन करना है तो हम उनके शिष्यों के माध्यम से कर सकते हैं। ऐसे अद्भुत त्याग वैराग्य के धनी श्री कबीरदास जी महाराज वो समस्त जीव मात्र के लिए उनका प्रत्येक क्षण, प्रत्येक कदम जीव मात्र के लिए होता था। भक्ति भागवत विमुख सो अधर्म कर गायो, जग व्रतदान भजन बिन तुच्छ दिखायो। अगर राम नाम को हम आगे करके अगर हम पूजा भी करते हैं तो वह पूजा आपका सफल है। जोग जग व्रतदान भजन बिना तुच्छ दिखायो, यही महापुरुषों का उपदेश है, आदेश है।
अगर हम तीर्थ यात्रा करते हैं तो राम नाम लेते लेते करें, अगर पूजा करते हैं तो राम नाम लेते लेते करें। हम कुछ भी धर्म कार्य करते हैं तो भगवान के नाम को आगे करते हुए करें। हिंदू तुरक परमान रमैनी सबदी साकी, पक्ष पात के हित की भाकी। जो संत बोलते हैं, एक महात्मा बोलते हैं तो पक्षपात रहित होकर बोलते हैं, वह प्रत्येक जीव मात्र के हित के लिए बोलते हैं। ऐसे ही हमारे परम संत श्री मत रामदास जी महाराज, उनका त्याग वैराग्य समस्त जीव मात्र के लिए था। उनकी संत सेवा का निष्ठा आज भी श्री संत रामदास जी महाराज का जो शीलता है, दैनता है, विनयशील है, गुरुदेव की कृपाई है। परम संत श्री लक्ष्मण दास जी महाराज विराजमान हैं, उनकी यश कीर्ति शिष्य और शिष्य प्रशिष्य एक ते एक उजागर, जग मंगल आधार भक्ति दशधा को आगर। अपने आचार्य चरण के शिष्य प्रशिष्य स्वामी रामानाचार्य भगवान जब 723 वर्ष पहले उनका आविर्भाव, 22 वर्ष पहले, जब से आज तक और जब तक पृथ्वी रहेगी, जब तक रामानंद संप्रदाय सनातन धर्म की ध्वजा फताका उनके औरों शिष्य प्रशिष्य से शिष्य परंपरा एक से एक बढ़ करके धर्म के ध्वजा को फहराते रहेंगे और वैष्णवता धर्म का, सनातन धर्म का जो प्रचार प्रसार कर करके अपने गुरु की कीर्ति को उज्ज्वल करते रहेंगे। मेरी शुभकामना श्री संत रामदास जी महाराज इसी तरह से अपने गुरुदेव के पदचिन्ह पर चलते हुए, एक जैसे संत सेवा और जीव मात्र की सेवा, अपने दरवाजे में कोई भी आ जाए, हम अतिथि देव भव के हिसाब से उसका आदर सत्कार करें। राम भजन और साधु सेवा स्वामी रामानंद, यही हमारे आचार्य चरण का उपदेश है। मैं उनके मंगल कामना करता हूं और आप सबको भगवान श्री सीताराम के चरणों में प्रीति बढ़े, आप सभी बड़ों का सत्कार करें, बड़ों का आशीर्वाद लें, मैं मंगल कामना करता हूं। आप पूज्य श्री मारे चरणों में बारंबार वंदन करता हूं, वाणी को विराम देता हूं। श्री राघवेंद्र सरकार की जय, हनुमंत लाल की जय। श्री सीताराम, आप सभी के लिए एक विशेष सूचना, कल हम सभी के बीच में अनंत श्री विभूषित सदगुरुदेव गौसंत सेवी महामंडलेश्वर श्री स्वामी अभिराम दास त्यागी जी महाराज पधारेंगे, तो आप सब सुबह उनका 12 बजे से आप सब यहाँ मंच पंडाल में पधार के हम उनका अभिनंदन करेंगे और उनकी वाणी का लाभ लेंगे, और शाम को इसी मंच पे 7:30 बजे से राष्ट्रलीला का भी दर्शन होगा, तो आप सभी अधिक से अधिक मात्रा में आके 7 बजे से ही यहाँ राष्ट्रलीला का दर्शन होगा। अब यथा स्थान आप सब खड़े हो जाए, आरती का दर्शन करेंगे। श्री राधे श्याम। आप सभी भक्तजन अपने अपने यथास्थान पर खड़े हो जाइए, भगवान की आरती हो रही है, हाथ जोड़ करके सभी लोग दर्शन करें। ओम महारात्रि पार्थिव गुंग रजा पेदोर प्राई धाम अवे दिवा सदा गुंग से बेहदे बेदिष्टा सात्वेगं वर्तते तमः। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की
की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ज्योति जगाने वाला ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही। जग में मंगल की आरती, भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की जय, श्री राधे। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल भव पंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल भव पंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल भव पंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। सिया राम यही घन श्याम यही, सिया राम यही घन श्याम यही, सिया राम यही घन श्याम यही, सिया राम यही घन श्याम यही। प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। कर्पूर गौरम कर्णावतार, संसार सारम भुजगेन्द्रहार, सदा वसन्तं हृदयारविन्द, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव वीर्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। आरार्धिक्यं समर्पयामि श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवादिवन्दनम् आरोग्यात् आत्माभिवन्दनं देवताभिवन्दनम् आरार्धिकग्रहणं हस्तप्रक्षालनं पुष्पाञ्जलि हरि ओम। ओम जतनेनाज्ञमयजन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या सन्नदेहनागं महिमानः सशन्दद्रभूर्वे साध्याः सन्ति देवा। हरिः ओं मेघदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरिः ओं नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्ना कृष्णप्रचोदयात्। हरिः ओं वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि
तन्नो राधा प्रचोदयात् सेवन्दिका वकुलजं भगवाटलाब्जी पुन्नागजाधिकर वीर रसाल पुष्पैः बिल्व प्रवाल तुलसी दल मञ्जरीः स्त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर मंत्र पुष्पाञ्जलि समर्पयामि सांगाभ्यां सपरिवाराभ्यां सायुधाभ्यां शक्तिकाभ्यां श्रीराधा कृष्णाभ्यां नमः श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः बोलिए श्री भागवत भगवान की जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की श्री राधा कृष्ण भगवान की श्री नंद नंदन भगवान की श्री हनुमान जी महाराज की श्री पंचमुखी